आ जाओ भाई आ जाओ फटाफट से, एक बार तो आवाज़ चेक करके बता जाओ, आवाज़ सही आओगे, सही आओ आवाज़ में तो कोई दिक्कत को नहीं। एक बार भाई रुक जाओ, मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ, आ जाओ सभी जने, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ फटाफट आ जाओ, आधे जने तो मैच मुच देखने में लग रहे हैं, चार आउट हो रहे हैं उनके, उसमें देखना कोई होगा ना बेरा बार तला जितना एक तरफा जीत है, क्यों टाइम खराब करो, जो काम की चीज उसमें ध्यान दो। पॉलिटी लाइव क्लास शुरू हो गई है। राम राम भाई, राम राम, राम राम गुरुजी सोनीपत से, विजय रोहिला, राम राम गुरुजी राजवीर सिंह, पूजा खोखड़, राम राम गुरुजी, राम राम भाई राम राम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, कड़ गई कलम यारी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े पर फिर तक स्वागत करूँ हूँ। आज की रात आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि एक तो आज भारत की टीम है वर्ल्ड कप का, मैं श्रीलंका को हराकर आज मतलब लगातार सातवीं जीत अपनी जीत जाएगी, साथ के साथ आज की क्लास के अंदर हम भी आपकी कंप्लीट पॉलिटी करवा देंगे भाई, आपकी जो कंप्लीट पॉलिटी है विद आर्टिकल्स सब के सब विद ट्रिक्स आपको याद करवा देंगे। इस बात की मेरी गारंटी होगी कि एक क्लास खत्म होने के बाद अगर सिंगल वन बच्चा भी अगर ये कह देगा ना जी मेरा पर्सन याद ना हुए और क्लास में मजा ना आया, नींद आएगी भाई, तो मेरे ती गाड़ दे दियो, चैनल अनसब्सक्राइब मार दियो, जो तारा जिमा हो कर दियो। ठीक है, कक्षा शुरू करते हैं, सारे आर्टिकल और सब की में पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा भाई, मेरा खतरा है। ठीक है, और इन प्रश्न पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी @capitalJCapitalT छोटे अक्षर में ARGT, 2-3 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, सारे प्रश्न विद ट्रिक याद हो जाए, इस क्लास में फुल रिविजन हो जाए तेरी। पहला प्रश्न देखो क्या है, भारत में चुनाव आयोग है किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को बोले इलेक्शन कमीशन, कई जने इंग्लिश मीडियम के उन्ना कौन मेरा क्यों है, तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की स्थापना है किस आर्टिकल के तहत करी गई, ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 324। इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, आर्टिकल नंबर 324 देखो इस टाइप से आप लोग याद रख सको, आर्टिकल नंबर 324, 24 के अंदर क्या आ गया आपका, 24 के अंदर आने लगे रहे आपका 24, 24 से क्या बन गया आपका 24, 24 से क्या बन गया 24, 24 आप लोगों ने देखे जो कील होती है, कील जो होती है जिनको दीवार के अंदर ऐसे ठोकते हैं, कील देखी होगी आप लोगों ने, कील नहीं देखी क्या, ऐसे दीवार के अंदर ऐसे पकड़ के इसको खट 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 ऐसे ठोकते हैं, तो 24 से हो गया आपके 24, और चौबों को चुन चुन के, जैसे मान लो भाई आपको मैं समझाने के लिए दिखा देता हूं, जैसे ये बादाम है, बादाम, ठीक है, ये बादाम है, जैसे ये बादाम है, बादाम, बादामों को क्या है, ऐसे बादामों को मान लो चौबा, चौबों को ऐसे चुन चुन के दीवार के अंदर गाड़ते, चुनने से क्या गया, चौबों को ऐसे दीवार के अंदर चुन चुन के गाड़ते, क्या गया, चुनने से, चुनने से बन गया आपका चुनाव आयोग। तो याद कैसे रह जाएगा, चौबों को जो भी चौबे होते हैं जिसको दीवार के अंदर गाड़ते, चौबे को चुन चुन के दीवार के अंदर गाड़ दो, यानी दीवार के अंदर ऐसे ठोक दो चौबों को चुन चुन के, चौबे यानी आर्टिकल नंबर 324 के अंदर के आपके चुनाव आयोग का जिक्र है। चुनाव आयोग से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चुनाव आयोग का ऐड कौन है, चुनाव आयोग का जो ऐड है वो कौन है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपका चुनाव आयोग का जो हेड है, सारे करवाऊंगा टेंशन ना लो, राजीव कुमार, राजीव कुमार है वो आपके है चुनाव आयोग के ऐड हैं। इनको कैसे याद रखो आप लोग, आप लोग देखो राजीव से क्या बन गया, राजीव से बनने लगे आपके पास राजा, राजीव से क्या बन गया आपके पास राजा, और जो आदमी आप लोग ने देखो इलेक्शन कमीशन का ऐड है, चुनाव आयोग का ऐड, चुनाव आयोग का ऐड देखो आप लोगों को, देखो भाई देश के अंदर राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, सभी लोगों का चुनाव वो खुद करता है, मतलब कि उनके इलेक्शनों को कंट्रोल करने का सारा जो काम है किसके पास, राजीव कुमार, यानी देश का असली राजा तो यही होया, राजीव से राजा, देश का असली राजा तो यही होया, जो सारे के सारे देश के इलेक्शन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको चुनाव ये करता है, तो राजीव कुमार देश का असली राजा, यानी कि चुनाव आयोग के जो ऐड है वो कौन आपके, राजीव कुमार है। कार्यकाल पूछा जाता है, चुनाव आयोग के जो ऐड होते हैं, चीफ होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, कार्यकाल होता है इनका आपका 65 वर्ष, या आपका मतलब कि 65 वर्ष, या आपका मतलब लगातार अगर सर्विस करने लग रहे हो तो 6 वर्ष। ठीक है, यानी कि भाई अगर आपकी उम्र अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वो भाई 65 या 6 वर्ष के अंदर से जो भी पहले हो वही आपका कार्यकाल हो जाता है। जैसे भाई मान लो अगर आदमी 65 वर्ष का हो जाता है तो क्या उसको रिटायरमेंट देते हैं, 65 से क्या, अगर 65 से पैसा भाई रिटायरमेंट होती, खूब पैसा ही पैसा मिलता है, इस तरीके से याद रख सकते हो, यानी 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट मिल जाती है, या तो 65 वर्ष अगर आपकी उम्र 65 वर्ष पहले हो जाती है तब रिटायरमेंट मिले, या 65 में से 6 यानी कि, या फिर अगर
अगर आप लगातार 6 साल सर्विसेज दे देते हो तो भी आपको रिटायरमेंट दे दी जाओगी, यानी कि ये इनका वो तब देखो आगे प्रश्न आएंगे इससे संबंधित। देखो सारे प्रीवियस ईयर, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में अभी अभी करवाया है, इलेक्शन कमीशन के एड कौन होंगे, जो देश का असली राजा कौन होगा, जो देश के राजा को भी चुने, देश का राजा यानी कि जो अपना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी चुनाव इलेक्शन कमीशन के एड करते, देश का असली राजा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजीव कुमार है वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के एड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, अभी अभी कराया कार्यकाल आपका सीपीओ 2021 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये प्रश्न आया आपका, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अभी करवाया ना, कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल भाई, कार्यकाल या तो आपका 65 वर्ष या तो आपका क्या है 65 से आपका क्या हो गया 65 से पैसा। जब भी आप लोग क्या है 65 की उम्र के अंदर रिटायर होते हो, जब भी आप लोग क्या है रिटायर्ड होगे तो आपको क्या है फुल पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 65 से क्या बनेगा आपका, 65 से बनेगा आपका पैसा, और 65 से पैसा और 65 का जो ये 6 है, या तो 65 वर्ष की उम्र पहले हो जाए या आपके 6 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए तभी है आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी है करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राज्यों के अंदर चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है, जो अलग अलग जैसे स्टेट हो, अब जो इलेक्शन कमीशन है जो आपका, इसका तो दायित्व क्या है, इसका दायित्व है पूरे मतलब देश के अंदर इलेक्शन करवाना, ठीक है। तो जो राज्य है, राज्य के अंदर जो इलेक्शन करवाने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई राज्यों के अंदर। प्लीज टेल मी फ्रेंड्स, क्लास कब की चल रही है, अरे अभी 7:30 बजे स्टार्ट हुई है सर, CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल CR क्वेश्चन मिले थे आपकी क्लास से, थैंक यू, धन्यवाद भाई। देखो भाई, तो राज्य के अंदर जो चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है, केंद्र चुनाव आयोग का ही होता है। बच्चे इसके अंदर गलती क्या करते हैं ये देख लेते भाई, राज्य का जिक्र है तो मैंने सोचा राज्य चुनाव आयोग करवाता, नो, अरे सारे आर्टिकल करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सीरीज वाइज चलने लग रहा है, पहले इलेक्शन कमीशन को लिपटाएंगे, उसके बाद आपका और UPSC आएगा उसको लिपटाएंगे सब, अरे टेंशन ले ना, मेरा ऊपर छोड़ दो, आज की क्लास देख लेना, सुन लो दिल्ली पुलिस में पॉलिटी में एक नंबर भी कट जाए तो मेरे ती कह दियो, ठीक है, दिल्ली पुलिस के कोई सा पेपर में कट जाए। केंद्र चुनाव आयोग है वही राज्यों के अंदर, जो आपका राज्य चुनाव आयोग होता है ना, इसका काम होता है सिर्फ राज्यों के अंदर जो आपके पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं ना, पंचायत हो गए या फिर आपके क्या नाम है नगर निगम के इलेक्शन हो गए, ठीक है, तो छोटे मोटे इलेक्शन जो करवाने का काम होता है पंचायत नगर निगम, वो किसका काम होता है, राज्य चुनाव आयोग का। बाकी जितने भी राज्य के इलेक्शन है या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, सारे के सारे कौन करवाता है, आपका केंद्र चुनाव आयोग है वही करवाता है, राज्य का काम होता है सिर्फ पंचायत और जो छोटे मोटे इलेक्शन वो करवाने का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है, यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान के अंदर कौन से आयोग का उल्लेख है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के अंदर है आपका राष्ट्रीय महिला संघ लोक सेवा, भारतीय प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो इसके अंदर संघ लोक सेवा आयोग जो UPSC है, ओनली आपका UPSC का जिक्र है, आपका महिला आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, मानवाधिकार आयोग का संविधान के अंदर कोई भी जिक्र नहीं है। पेपर के अंदर यह प्रश्न 100% आता है, प्रश्न क्या है, यह तो थोड़ा चेंज है और दूसरे तरीके से आता है कि भारतीय संविधान के अंदर है, इनके अंदर से कौन से आयोग का जिक्र नहीं है, इसके अंदर पूछ रखे किस आयोग का उल्लेख है, प्रश्न क्या आएगा, भारतीय संविधान के अंदर है, इनके अंदर से निम्नलिखित में से कौन से आयोग का उल्लेख नहीं है, अगर नहीं है भाई आप लोगों को देखो ये ऑप्शन के अंदर आपको एग्जामिनर है 100% डालेगा, एक तो महिला आयोग को 100% डालता है और एक आपका मानवाधिकार आयोग, मां ना वो आप उनका जिक्र कभी भी कौन भारतीय संविधान के अंदर, मैं से महिला आयोग और मैं से मानवाधिकार आयोग, इन दोनों आयोग का जिक्र है कभी भी भारतीय संविधान के अंदर ना हुआ है ना कभी हुआ था, और हर बार देता है एग्जामिनर ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, प्रतिस्पर्धा तो आपको पता है इसका तो कोई जिक्र है को नहीं, ये तो कोई आयोग है कौन बनता, ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना हमेशा, आगे प्रश्न आएगा प्रश्न भी दिखा दूंगा मैं इसी टाइप का, ये एज इट इज, तो इसको रट लेना बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, अब आ गया UPSC, अब UPSC के आर्टिकल का जिक्र करेंगे, UPSC बोलो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया भाई, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, देखो भाई संघ लोक सेवा जो आयोग है इसका जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 315 के अंदर इसका जिक्र कराया गया है, इसको याद कैसे रखो भाई, आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा क्या हो गया, बंदर है बनने लग रहा है इसका, अगर राइमिंग करके देखें 15 की, अगर राइमिंग करके देखो ये तो क्या बनने लग रही है, बंदर है राइमिंग, तो 15 का उल्टा क्या हो गया आपका, बंदर है, ठीक है। और किसको कैसे याद रखो, अगर भाई आपको क्या है, अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है, अगर आपको क्या है UPSC की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर क्या रहना पड़ेगा, कमरे के अंदर बंदर है, अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे,
ठीक है, कमरे के अंदर बंद रहे, ये आपका आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा हो गया। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा बंद रहे। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको कमरे के अंदर बंद रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग आर्टिकल नंबर 315 यानी जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जिक्र है आपका आर्टिकल नंबर 315 से 323 के अंदर इसका जिक्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 315 से 323। याद करने की ट्रिक आएगी समझ में, आर्टिकल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, और यूपीएससी की अगर तैयारी करनी है तो ऐसे तो होगा नहीं, बनू तम गलिया में घूमी जाओगे और कि में करी जाओगे। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा क्या हो गया, 15 का उल्टा बंद रहे, यानी यूपीएससी की तैयारी करनी तो कमरे के अंदर बंद रहे। आगे देखो भाई, आगे क्या है, वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग है जो यूपीएससी है, यूपीएससी के एड कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मनोज सोनी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के एड है। इनको कैसे याद रखो आप लोग, मन प्लस में ओज, मनोज का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा आपका, मनोज का अगर आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, मन प्लस में ओज, मन प्लस में ओज। ओज का मतलब हरियाणवी के अंदर ओज को पता क्या बोलते हैं, हरियाणवी के अंदर ओज का मतलब होता है डालना, ओज का मतलब क्या होता है डालना भाई, ऐसे कौन ऐसे बोलते हैं कि दूध ओज दे, दूध ओजने का मतलब दूध को डाल दे, यानी मनोज सोनी है, मनोज सोनी जी के कहा है यूपीएससी के पेपर के अंदर मेरे मन में जो भी आएगा मैं उसको पेपर के अंदर ओज दूंगा। भाई यूपीएससी का पेपर है बनाने वाला मैं हूँ, मैं यूपीएससी के कमीशन का एड हूँ, तो मेरे मन में जो भी आएगा मैं उसको पेपर के अंदर ओज दूंगा। ठीक है, ओजने का मतलब क्या होता है डालना भाई, मैं वही पर्सन पेपर के अंदर डाल दूँ जो भी मेरे मन के अंदर है। अगर आपको पता है यूपीएससी के अंदर पर्सन कैसे आते हैं, तो यूपीएससी का क्या हो गया आपका मन ओज भाई, जो भी मेरे मन के अंदर आएंगे वही पर्सन मैं पेपर के अंदर ओज दूंगा। तो यानी मनोज सोनी वो आपके यूपीएससी के हेड हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखो क्या, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है भाई, एक तो आपका यूपीएससी तो आपका संघ लोक सेवा आयोग, ये तो आपका सेंटर का, यूनियन का मतलब क्या हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, ये तो भाई पूरे पूरे देश का हो गया। ठीक है, अब राज्य लोक सेवा आयोग, अब जो हर एक जो राज्य है उसका अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे हरियाणा तो हरियाणा का एचपीएससी, ठीक है भाई, अलग से मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी टाइप से अलग होता है। तो अब जो राज्य लोक सेवा आयोग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करवाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीपीओ 2021 के अंदर प्रश्न आया, राज्य सरकार की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित करवाना किसका उद्देश्य है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग का। और संघ लोक सेवा आयोग का जो केंद्र सरकार है, जैसे आईपीएस, जैसे आप लोग देखो यूपीएससी के थ्रू पता क्या लगते हैं, यूपीएससी के थ्रू लगते हैं आपके आईएएस, ठीक है, आईपीएस, और आपका आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस, ठीक है, इस तरीके के ये लगते हैं। और जैसे आपका संघ लोक सेवा, जैसे आपका हरियाणा का जो लोक सेवा आयोग है भाई, जैसे डीएसपी जो लगते हैं राज्य के अंदर, एचपीएस बोलते हैं जिनको भाई, डीएसपी लग गया, एचपीएस, ठीक है, इस टाइप से जो ये होते हैं आपके राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम इसको सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं पेपर के अंदर। देखो मैं आपको बताता हूं, अब जो यूपीएससी का जो ऐड होता है, एक तो हो गया यूपीएससी का, ठीक है, और एक हो गया आपका स्टेट का, स्टेट पीसीएस बोलते हैं जिसकी, ठीक है, एक आपका ही हो गया भाई स्टेट पीसीएस, ठीक है, दोनों के ऐड होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब जैसे जो राज्य का जो भी मतलब यूपीएससी का जो सेंटर है, सेंटर वाला जो ऐड होता है ना, जो भी मतलब कि इसका मान लो कोई भी आपका जो अध्यक्ष हो गया, उसकी नियुक्ति, उसकी जो भी नियुक्ति है, नियुक्ति और आपका जो भी उसका इस्तीफा है, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें हैं आपका, कौन किसको दिया जाता है, इस्तीफा और आपकी नियुक्ति, दोनों की दोनों आपके राष्ट्रपति को दी जाती है, ठीक है, दोनों की दोनों आपके राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। मतलब भाई इसके जो नियुक्ति है आपके यूपीएससी के ऐड है, जो अपने मनोज सोनी जो भी मन में आएगा उसको पेपर के अंदर ओज दूंगा डाल दूंगा, ठीक है। तो यानी यूपीएससी के जो ऐड की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति करते हैं, और जो उसका इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। लेकिन जो स्टेट पीसीएस होता है, इसका जो ऐड होता है, मतलब जो आपका जो संघ राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है उसका जो ऐड होता है, उसका जो उसकी जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, जो भी आपका मतलब कि गवर्नर होता है वो, ठीक है। और जो इसका इस्तीफा होता है ना, इस्तीफा ये आपका राष्ट्रपति को ही देता है, इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को। इस चीज को पक्का याद कर लेना, पेपर के अंदर एग्जामिनर क्या देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, भाई इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को, और फिर दे देगा इसकी नियुक्ति कौन करता है राज्य लोक सेवा आयोग के जो ऐड होती है इसकी नियुक्ति, तो उसके अंदर राज्यपाल आएगा। बच्चा क्या सोचता है कि भाई इसके अंदर गलती क्या करता है, भाई इस्तीफे का पूछता है वो, भाई वो सोचता है भाई अगर नियुक्ति राज्यपाल करने लगे है तो इस्तीफा भी राज्यपाल को देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को मतलब माइंड के अंदर सेट रखना, ठीक है,
कदे इसको गलत करे आओ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है आपका, वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल का जिक्र कराया गया वित्त आयोग। देखो वित्त आयोग का मतलब क्या होता है, वित्त आयोग है आपका पैसे वाला आयोग, ठीक है। वित्त आयोग कौन सा होता है आपका, पैसे वाला आयोग, सारा का सारा जो खजाना है, ठीक है, पैसे वाला जो आयोग है आपका, मतलब जो अपना देश का सारा खजाना है वो इसी आयोग के अंदर है, देश का जितना भी खजाना है वो आपका कहां पर है, वित्त आयोग के अंदर है, ठीक है। और इसका जो जिक्र है एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर है, कौन से आर्टिकल के अंदर आपका, तो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आया है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, 80 का देखो कैसे रखोगे, 80 से क्या आपकी सिट्टी बजने लग रही है, सी, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्या है, मान लो आप लोगों को कहीं पर भी खजाना दिख जाए, वित्त आयोग का मतलब क्या है, खजाना, जैसे ही आप लोगों को क्या कहीं पर भी अगर खजाना दिख जाए तो आप लोगों की सिट्टी नहीं बज जाती, इतना खजाना छोरी तो जमाए नो, हे बेबे इतना खजाना नो कुकर पाया रे। तो यानी कि पैसे वाला आयोग यानी वित्त आयोग इतना सारा खजाना देखते क्या नो, 80 से क्या बन गया, 80 से सी नो कान के अंदर सिट्टी बजने लग जाती, वो इतना सारा खजाना देखती। तो वित्त आयोग यानी कि खजाने वाला जो आयोग है, इसका आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल नंबर 280, याद कैसे रखो भाई, इतना सारा खजाना देखती नो सी इतना खजाना, तो यानी आर्टिकल नंबर 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न के, जीएसटी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया, देखो इसको कैसे याद रखो आप लोग, आप लोगों ने देखो भाई, अब वित्त आयोग है जो आपका खजाना है, वित्त आयोग है आपका, ये देखो लो आप लोग भाई, खजाना आयोग, ठीक है, खजाना आयोग आपका, खजाना आयोग का जिक्र है आपका, ये देखो आप लोग क्या है, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है, 280 नंबर आर्टिकल के अंदर है। अब आप लोग देखो भाई, खजाने के अंदर अगर आप लोग पैसा डालने लगे तो पहले तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा भाई। आप लोग अगर अपने घर के खजाने के अंदर भी अगर पैसा डालते हो तो पहले आपको टैक्स भरना पड़ता है ना, जीएसटी लगता है ना। तो यानी कि 280 के अंदर जब आपका क्या नाम है, खजाना है, तो इससे एक पहले क्या आता है, 279 आता है, आर्टिकल नंबर 279 के अंदर क्या आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो यानी कि क्या है, जीएसटी का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर आपका, आर्टिकल नंबर 279A के अंदर, आर्टिकल नंबर 279A है, इसके अंदर है आपका जीएसटी का जिक्र है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। जिसको याद कैसे रखो, याद हो गया ना, वित्त आयोग देखो आप लोग क्या बता मैंने, वित्त आयोग का मतलब हो गया खजाना। अब खजाना आपका, खजाने का जिक्र आपका आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है, देश का जो भी खजाना आपका आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है, ठीक है। अब सिट्टीबाजी तारीख खजाने देखती तो 280 हो गया। अब खजाने को अगर भरोगे तो उससे पहले टैक्स तो देना पड़ेगा, और टैक्स यानी कि जीएसटी दोगे तो यानी कि इससे खजाना आपका 280 के अंदर आने लगे, तो इससे एक पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 279A है, इसके अंदर क्या है आपका 279 है, इसके अंदर आपको जीएसटी का जिक्र है और जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। सर लेट हो गई आज, तो कोई बात नहीं, काल्म। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, जो वित्त आयोग है जो अपना खजाना वाला जो डिपार्टमेंट है, इसका जो मेन काम है वो क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में धन का आवंटन। अब जो वित्त आयोग है भाई खजाना, अब खजाने का काम क्या होता है, खजाने का काम जो केंद्र सरकार है और जो आपकी राज्य सरकार है उनके बीच में सारे के सारे धन का बंटवारा, जितना भी देश के अंदर धन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबके बीच में समान रूप से बांटना है, वो किसका काम होता है आपका, वित्त आयोग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। सीजीएल के अंदर आया हुआ प्रश्न है, 2023 के अंदर। अगला देखो, अगला क्या है, जीएसटी परिषद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है आपका जीएसटी की फुल फॉर्म। और ये जो इसके अंदर गुड्स होता है ना, ये गुड्स वो वाला गुड नहीं है, अच्छे वाला गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, ठीक है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है वो इसका होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना, ये जीएसटी परिषद का मेन उद्देश्य आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सीपीओ 2021 के अंदर ये प्रश्न आया है। अगला क्या, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत। अरे मैं इस बात की गारंटी लेने लग रहा हूं, इस क्लास के अंदर से अगर एक प्रश्न भी आपका याद ना पाओ ना तो भाई मेरा मुंह पागी थूक दियो, और तो मैं क्या बताऊं, ठीक से इस बात की इतना ही दे दी यार, जबान दे दी फिर भी तम कौन मानने लग रहे। तो देखो भाई, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के तहत है जीएसटी को है आपके भारत के अंदर लागू किया गया। तो इसको याद कैसे रखो आप लोग, देखो जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब जीएसटी आप लोगों ने देखा हो भाई, आप लोग जैसे किसी की भी शादी में गए, आप लोग क्या मान लो किसी की भी शादी के अंदर गए, और शादी के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जीएसटी डिपार्टमेंट के बंदे बैठे होते हैं जो कन्यादान लेते हैं,
देखा हो आप लोगों ने, आप किसी की भी शादी के अंदर जाते हो, वहां पर कन्यादान लिखवाते हो, तो वहां पर क्या है जीएसटी, वो जो कन्यादान लिखते हैं ना वो जीएसटी लेते हैं एक तरीके से आपको। और आप लोगों को पता है शादी के अंदर जाओगे भाई, ये तो है ना भाई, डायरेक्ट 100 रुपये दोगे या 500 रुपये दोगे, या तो 101 रुपये दोगे या 501 रुपये या 1001 रुपये, ये ट्रेंड है। 111 रुपये दे दिए, 112 रुपये, तो इसी टाइप से आप लोगों को पता है शादी के अंदर कितने रुपये दोगे। आप लोग 101 रुपये का कन्यादान डालते हो शादी के अंदर, आप लोग कितने रुपये का कन्यादान डालते हो, 101 रुपये का कन्यादान डालते हो। और जो कन्यादान लिखते हैं, जो कन्यादान लेते हो कौन होते हैं, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के होते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, आपका संविधान नंबर आपका मतलब 101वें संविधान संशोधन के तहत है जीएसटी को लागू कराया गया था, याद हो गया प्रश्न। और जीएसटी का जो जिक्र है, कौन से संविधान, कौन से आर्टिकल के अंदर जीएसटी का जिक्र मिला, देखो वित्त आयोग, वित्त आयोग का जिक्र किस आर्टिकल के अंदर मिला, वित्त आयोग, अभी अभी मैंने बताया। वित्त आयोग का मतलब क्या होता है, खजाने वाला डिपार्टमेंट, और खजाने को देखकर क्या है, सिट्टी बस्ती नू सी सी सी, यानी आर्टिकल नंबर 280 का मतलब सी, ठीक है। और आपका वित्त आयोग, अब खजाने के अंदर पैसा डालोगे तो उससे पहले क्या है, टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि इससे एक पहले भाई 280 के अंदर अगर आप लोग खजाना भरने लग रहे तो इससे एक पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपका कितना हो गया 279A, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपका मतलब इससे एक पहले तो इसके अंदर आपका जीएसटी का जिक्र मिलता है। संविधान संशोधन पूछ ले तो 101वां संविधान संशोधन, और याद कैसे रखो 101वां संविधान संशोधन, आप जब भी किसी शादी के अंदर जाते हो तो वहां पर कन्यादान डालते हो तो कितने रुपए देते हो, 101 रुपये देते हो भाई, 101 रुपये का अगर टैक्स दोगे उन जीएसटी वालों को तो वो शादी के अंदर आपको गोलगप्पे और दही बल्ले खाने देंगे, वरना वहां से बेदखल कर दिए जाओगे, ठीक है। कई जने उस टैक्स की चोरी करते हो, पकड़े जाते फिर उनकी पिटाई भी की जाती है, जो मतलब वो किसी की शादी के अंदर घुस जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद हो गया, संविधान संशोधन है 101। अगला देखो, अगला क्या है, जीएसटी परिषद के मुखिया कौन होते हैं भैया बताओ, जो जीएसटी परिषद होती है उसके हेड कौन होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया, ये बताओ भी जीएसटी परिषद के हेड कौन होते हैं। डी सर आज क्या खाया इतना फटाफट बोल रहे हो, ज्योति शोरान भाई केला का जूस पिया था ना बेरा है, केला तो कितना पावरफुल हुआ है, समझ दे हो गए, केला तो फिल्टर पैड जैसे सारा सिस्टम गए। तो जीएसटी परिषद के जो मुखिया होते हैं, आप लोग देखो भाई जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी का संबंध होता है आपका पैसे से, खजाने से, खजाने के ऊपर टैक्स लगता है, सबके ऊपर टैक्स लगता है, तो पैसा यानी कि वित्त मंत्रालय, वित्त का मंत्रालय पैसा से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। वित्त मंत्री हो जीएसटी परिषद की मुखिया होती है, और अपने वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है वो वर्तमान में अपनी वित्त मंत्री, और इसको याद कैसे रखो भाई, वित्त मंत्री अपनी निर्मला सीतारमण है, जिनके निर्मला, मला से मतलब आप लोग देखो क्या समझो, मला से क्या बन गया आपका मैला, भाई जिसके मन में कोई भी मैल ना हो उसी को तो वित्त मंत्रालय का हेड बनाएंगे, उसी को तो हेड बनाएंगे। अब मान लो भाई आपके मन में जैसे तारमत किसी भी बना जाए वित्त मंत्रालय का हेड, तारमत मत मैल है पहला का बरा पड़ा सारा पीछा हम खा जावाएं, हैं सड़क का टेंडर पड़ाएंगे उसका पहला हम खा जावाएं, सब का नाम सूट जावाएंगे, तो यानी कि जो वित्त मंत्रालय है उसका हेड किसको बनाया जाएगा, जिसके मन में निर्मला से क्या बन गया मैल, जिसके मन में कोई भी मैल ना हो तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, और ये अपनी क्या जीएसटी परिषद की हेड है भाई। अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से उसे एक का चयन करें जो संवैधानिक निकाय नहीं है, पीछे करवाया था चार ऑप्शन आए थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं, उस संवैधानिक संस्था है उसके अंदर करवाया था मैंने, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी वो एक संवैधानिक संस्था है, और उसके अंदर कौन कौन से नहीं थे, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये मैंने क्या बताया मैम ऐसे जोन से आता है, ये कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसके अंदर आ गया ना भाई कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, सीएचएसएल 2022 के अंदर मैंने बोला था प्रश्न आएगा, मैं वाला देख लो कड़े मैं ये आ गया मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका संवैधानिक संस्था नहीं, वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी है, चुनाव आयोग चुनना आर्टिकल नंबर कौन सा था, चौबे क्या था आर्टिकल नंबर 324, चुनाव आयोग का आर्टिकल नंबर कितना था, इलेक्शन कमीशन का 324 याद कैसे करवाया था, 324 से क्या बन गया चौबे, और चौबे को चुन चुन के दीवार के अंदर ठोकना होता है, यानी चौबे को चुनोगे चुनने से क्या बन गया आपका चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव आयोग का संबंध आपका आर्टिकल नंबर क्या है 324। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी क्या, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे, यानी आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा क्या हो गया, 15 का उल्टा बंद रहे, यानी कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे आर्टिकल नंबर 315 आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार की कार्यकारी निर्णय द्वारा किस वर्ष की गई थी, भाई योजना आयोग, आप लोग देखो भाई योजना का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई आपकी प्लानिंग करना, योजना का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई प्लानिंग करना, ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि भाई जैसे ही देश स्वतंत्र होया, आपको पता है भाई देश अपना कब हुआ, 1947 के अंदर स्वतंत्र होया भाई, अब
दो तीन साल तो भाई काम चल जावे, ठीक है। ये ज़्यादा तो काम कौन चले, मान लो आप अगर जैसे कोई भी काम करने लग रहे हो, आप पढ़ाई करने लग रहे हो, अगर आप दो तीन साल बिना योजना के बिना कोई टेक्निक लगाए पढ़ाई करो तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो करना पड़ेगा, यानी कि 1947 के बाद दो तीन साल तो काम चल गया, दो तीन साल, लेकिन 1950 के अंदर क्या, फिर दो तीन साल के बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना करनी पड़ी, वो जो देश के लिए अलग अलग योजनाएँ बनाए, ठीक है, देश के अंदर अलग अलग टाइप की योजनाएँ बनाए जिससे देश के लोगों का विकास हो, उसके सबका विकास हो। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर गई, अब इसका नाम बदल दिया गया है, 1 जनवरी 2015 को है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या टेक दिया गया, नीति आयोग। नीति का मतलब भी तो क्या होता है, नीति का मतलब भी आपका योजना बनाना होता है। और इसके जो हेड हैं, जो हेड है नीति आयोग के, वो कौन होते हैं, अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं, अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में अपने प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो वो आपकी नीति आयोग के ऐड है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका वर्तमान में नाम क्या है आपका, नीति आयोग भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है, किसी राज्य में पंचायत चुनाव है किसके द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायत चुनाव मैंने क्या कहा था, जो सेंटर वाला जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो क्या आपका केंद्र वाला इलेक्शन करवाएगा, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और राज्य के इलेक्शन करवाए जैसे मुख्यमंत्री वगैरह के, इनके करवाएगा, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का क्या काम होता है, सिर्फ पंचायत के इलेक्शन करवाना है, नगर निगम के इलेक्शन करवाना है, तो किसी राज्य में पंचायत चुनाव है किसके द्वारा करवाए जाते हैं, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर सी करवाया था अभी, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या आपके पंचायत इलेक्शन करवाए जाते हैं। किस तारीख को है नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया, अभी करवाया, योजना आयोग कब बना था भाई, 1947 में देश स्वतंत्र है, दो तीन साल तो काम चला लेंगे बिना योजना करे, बिना प्लानिंग करे, लेकिन उसके बाद तो क्या, कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी, यानी कि 1950 के अंदर आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका नाम कब बदल दिया गया था, 1 जनवरी 2015 को है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, नीति आयोग रख दिया गया था। और इसके ऐड कौन है आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, अब आगे सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार, अब सारे के सारे मौलिक अधिकार है, आप ही सारे के सारे ट्रिक के साथ याद करें भाई, कैसे याद रखेंगे, पेपर के अंदर आता प्रश्न, बस समानता का अधिकार है कौन से आर्टिकल के अंदर है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है, शोषण का अधिकार कौन से, अब देखो इसको कैसे याद करो, सिंपल सी ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे भाई। 22 पे 7, अरे श्रीलंका ना छोड़ दो, कंप्लीट बोलकर 50-60 क्वेश्चन करवा रहे हो मामा श्री साहिल सिद्धार्थ, अरे साहिल सिद्धार्थ तेरे में अकल नाम की चीज कौन है, तेरी अकल बेरा कड़ा है, यो है नहीं, यो आड़ है भाई तेरी अकल, ठीक है, कौन ही भाई। ये भी के है दिल्ली पुलिस का पेपर, तारा 14 तारीख ना तारा पेपर है, 14 तारीख ना तारा पेपर है, और ई मार्ड पूरी पॉलिटी नु जमानू एक एक इसका चिट्टा पाड़ पाड़गी नु, पेज नंबर 51 पेज नंबर 52 नो करवाने लगे ना सारी रात टप जाई, तो भी को नहीं हो पॉलिटी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने मना की गई है, सारे आर्टिकल याद करवाओ, सारे आर्टिकल को नहीं याद करवाने लगे रह के बोल ले 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 ले। प्रश्न देखो भाई कैसे, अब है सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार, इनको देखो कैसे याद रखोगे आप लोग, आप लोग देखो इनको सिंपल तरीके से याद करवाओ, आज तारतिक सेना को नहीं याद करवाए होंगे, मान लो कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, अब जैसे बच्चा है वो, अब जैसे इस बच्चे के जीवन से याद करेंगे, बच्चा जब जैसे ही आपका क्या है 14 साल का हो जाता है, बच्चा जैसे ही आपका 14 साल का हो जाता है उसको क्या चाहिए, समानता चाहिए, जब भी बच्चा आपका 14 से 18 साल की उम्र में जब बच्चा होता है उसको क्या चाहिए, उसको क्या है, समानता चाहिए, समानता। मान लो घर के अंदर आपके दो भाई बहन हैं, ठीक है भाई, अब जैसे मान लो आप 14 ईयर के हो गए, 14 साल के हो गए हो, आपके घर में कोई बहन है या आपका घर में कोई भाई है, तो आपको समानता चाहिए भाई, हमारे बीच में कोई भेदभाव ना हो, इसको दूध दिया तो मैं भी दूध पीऊंगा, ठीक है, इसको कि मैं रोटी दी है तो मैं भी रोटी खाऊंगा, इसकी परोंठे तारे की दी तो मैं भी खाऊंगा, यानी समानता होनी चाहिए, 14 से 18 साल की उम्र में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 किससे है, समानता के अधिकार से संबंधित है, तो आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 जब भी बच्चा 14 से 18 साल का होता है तो उसको क्या चाहिए, समानता चाहिए। उसके बाद जैसे ही बच्चा क्या है 18 साल को पार करेगा, जैसे ही बच्चा 18 साल को पार करता है तो उसको चाहिए फुल आजादी भाई, संविधान भी देता है, जैसे आप लोग के 18 साल से ऊपर हो जाते हो आपको पूरी छूट है, किसे का चाहे किमे कर दो पूरी आजादी है, ठीक है, ताम चाहे किसी की छोरी ना ब्याह ले आओ, चाहे कुछ कर लो, किसी की लड़की को लेके फरार हो जाओ, कुछ कर लो, आपको फुल आजादी, फुल स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या 18 से ऊपर हो जाओगे आपको फुल आजादी मिल जाएगी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 से 22, यानी कि जब भी आप क्या है 19 से 22 साल की उम्र में जाते तो आपको क्या चाहिए, फुल आजादी चाहिए भाई, मंचे फुल स्वतंत्रता, बाहर घूमने की आजादी, मैं चाहे कितने जाऊं, ठीक है, 19 से 22 साल की नेचुरल काइंड है ये,
ठीक है वुमन की, मैं कहीं पर भी बाहर घूमने जाऊँ, इसी तीसी करवाने जाऊँ, दारू पीऊँ, बीड़ी पीऊँ, कुछ मतलब उस नशे फूल आ जाती, भाई मेरे ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए अपने पेरेंट्स तीनों को। अब जैसे ही 22 का टप गया, 22 के बाद जब वो 23 24 साल की उम्र में क्या होगा, अब जैसे फूल आज़ादी के साथ बाहर घूमेगा तो छोरी छापरी का चक्कर में ही पड़ेगा, ठीक है, और छोरी बाहर घूमेगी तो छोरा का चक्कर में ही पड़ेगी, लड़के के चक्कर के अंदर भी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि नर मादाओं के चक्कर में पड़ता है और मादा क्या है नर के चक्कर में पड़ती है। अब जो नर है नर मादा की तरफ आकर्षित होगा, 23-24 साल की उम्र में है जो भी नर होता है वो मादा की तरफ आकर्षित होता है और मादा नर की तरफ आकर्षित होती है। अब आकर्षित होंगे तो सारी प्रक्रियाएं होंगी, समझ गए होगे, 23-24 साल की उम्र में क्या है, ये आकर्षित होंगे तो सारी की सारी प्रोसेस होंगी, या तो बात मान दे होगे, और सारी की सारी प्रोसेस होंगी तो क्या होगा, शोषण होगा तारा, ठीक है। तो यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर, याद कैसे रखोगे भाई, 23-24 साल की उम्र में है महिला मित्र बनाएगा, पुरुष मित्र बनाएगा, महिला पुरुष मित्र बनाओगी, पुरुष महिला मित्र बनाओगा, ठीक है, और आपस में सबकी में होगा उनका बीच में, और सबकी में टिंग 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 ताम समझ जाओ, ठीक है, तो शोषण भी होगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23-24। उसके बाद जैसे ही बच्चा 24 का हो जाएगा, भाई 25 का हो गया, भाई महिला गेल शोषण कर लिया है या फिर महिला ने पुरुष गेल शोषण कर लिया है, जो भी होया है उनका, ब्याह तो करना पड़ेगा, शादी भी करनी पड़ेगी, और क्या पता महिला किसी दूसरे धर्म की हो, ठीक है, और क्या पता पुरुष किसी दूसरे धर्म का हो, तो धार्मिक स्वतंत्रता भी तो चाहिए। तो यानी कि 24 के बाद क्या है, 25 से लेकर 28 साल की उम्र में अगर आपको शादी करनी है तो क्या आपको धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार चाहिए, भाई क्या चाहिए, अगर किसी दूसरा धर्म की तो भी मैं शादी करूंगा, और महिला नुका अगर यो किसी दूसरा धर्म का है तो भी मैं शादी करूंगी। तो यानी कि भाई आपके क्या धार्मिक स्वतंत्रता कब चाहिए आपको, 25 से 28 साल की उम्र में। अब सारा सिस्टम हो गया, 28 साल तक उनकी शादी भी होगी, अब क्या शादी होगी तो बच्चे होंगे तो क्या है, अब 29 से 30 साल की उम्र में क्या जो भी उसके बच्चे हुए हैं, ठीक है, उनको शिक्षा देगा और उनको सांस्कृतिक ज्ञान देगा, जो भी 29-30 साल की उम्र में जब भी बच्चे होंगे, 28 साल तक शादी होगी, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता मिलने बाद, तो 29-30 साल की उम्र में क्या अपने बच्चों को शिक्षा देगा, अपने बच्चों को शिक्षा देगा, सांस्कृतिक ज्ञान देगा, भाई समाज संस्कृति का क्या ज्ञान है, हरियाणा की क्या संस्कृति, दिल्ली की क्या संस्कृति, यूपी की क्या संस्कृति, सारा ज्ञान देगा, पंजाब की क्या है, राजस्थान की क्या है। उसके बाद क्या है, जैसे ही 30 के बाद क्या, फिर वो 32 साल का होगा तब वो सारी चीज़ों से छिक जाएगा, भाई भाई मैंने जितने भी कर्मकांड करे हैं, जो भी शोषण करे हैं, जो भी मैंने आज़ादी का बीड़ी सिगरेट पी है, या जो भी मैंने बालक जाम में है, ठीक है, ये भी मैं उन सारे का उपचार करूंगा, जितने मैं कर्म कांड कर चुका हूं मैं, अब उन सभी का क्या है, मैं उपचार करूंगा, इलाज करूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे देख लो आपके छह के छह जो अधिकार हैं आपके मौलिक अधिकार, ये पूछे जाते हैं पेपर के अंदर आर्टिकल, अभी आगे प्रश्न लेके आऊंगा, ठीक है, सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं आपके, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा का याद हो गए होंगे। कैसे याद रखोगे, बच्चा 14 से 18 साल की उम्र में समानता चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जब बच्चा 18 साल का पार हो जाता है तब क्या है, उसको फुल आजादी चाहिए, कड़े सिर फुड़वाऊं से कि मैं करूं, 18-22 साल की उम्र में फुल आजादी, फुल आजादी में घूमगा तो महिला मित्र भी पटा होगा, 23-24 साल की उम्र में शोषण का शिकार होगा, ठीक है, महिला उसका शोषण कर जाए, वो महिला कर देगा, यानी 23-24 साल की उम्र में शोषण होगा, सब की मैं कर लिया तो ब्याह भी करना पड़ेगा, महिला के साथ शादी भी करनी पड़ेगी, तो 25 से 28 साल की उम्र में भाई क्या पता महिला दूसरे धर्म की, तो धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए शादी करने खातर, तो शादी होगी। 29-30 साल की उम्र में बालक हो गया, बालक को क्या शिक्षा का और सांस्कृतिक ज्ञान देगा, ठीक है, 32 की उम्र में कहेगा भाई जितने भी कर्मकांड करे उनका उपचार करना पड़ेगा, यानी 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे के सारे आपके याद होने चाहिए, और मेरे साथ याद हो भी गए होंगे हर एक बच्चा का, नुक्के नु एज इट इज आपका पेपर का मामा है, ठीक है। सर आपने तो लिमिट से ज़्यादा जूस पी लिया, आज ना रुकोगे जी आप, तो तामिर ती रोकना चाहोगे, ना रोको भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, भाई ये बताओ भाई, मौलिक कर्तव्य हैं आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अभी देखो इसे मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछूंगा मैं अभी, कहते फिर जोनसा नहीं बताए ना, या चप्पल दिखा नीली स्पार्क साड़ी, स्पार्क्स की चप्पल है नीली, ऐसी ऐसी जगह मारो खूब स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग का मतलब तो हम समझ दे होगे, समझदार हो सारे के सारे। सी सी आयरलैंड कहाँ कई जने, तो भाई जो भी सी का है ना वो खुद सी वाले काम करे भाई। देखो भाई अब मौलिक कर्तव्य देखो क्या है, मौलिक कर्तव्य किस, मौलिक कर्तव्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी का 2023 के अंदर, 2023 के अंदर पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट टॉपिक है एसएससी का आपका मौलिक कर्तव्य,
ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न है मौलिक कर्तव्य। देखो पूरे पूरे सारे के सारे आपको याद करवा दो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपके रूस के संविधान से लिए गए। कई बार यहां पर आपको सोवियत संघ भी लिखा मिल सकता है, रूस को सोवियत संघ भी बोला, पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम रूस टेक किया था, तो सोवियत संघ। कई बार आपको यहां पर क्या है सोवियत संघ भी लिखा हुआ मिल सकता, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो सोवियत संघ से आपके क्या है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अब इसको कैसे याद रखो, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से, रूस से लिए गए हैं। यानी कि देखो क्या मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं जैसे आपको अगर इस देश के अंदर रहना है, आपको अगर इस देश के अंदर रहना तो देश के आपके क्या नाम है राष्ट्रगान का भी सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, आप देश के राष्ट्रगान से सम्मान करो, राष्ट्र ध्वज से प्रेम करो, देश की रक्षा के लिए लड़ मर मिटो सब की में करो। ठीक है, तो ये आपके वो हैं, ये आपके क्या है मेन आपके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि अगर आप देखो भाई, तो एक आदमी क्या बोला, देखो आपको पता, तो ये याद भी करने की ट्रिक बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले तो आता है भाई, मौलिक कर्तव्य है कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किए गए। संविधान संशोधन पूछ ले आपका, संविधान संशोधन आपका कौन सा है, संविधान संशोधन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो सारा के सारे याद करवा दूंगा, एक जैसे अभी मौलिक अधिकार करवाए थे, संविधान संशोधन का कौन सा आपका 44वां, 44वें संविधान, ओ सॉरी 42वां, माफी चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन है, उसके तहत हम मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के अंदर ऐड करेंगे। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 4+2=6 यानी कि 1976 के अंदर है आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन पूछ ले, 44वां कब हुआ था आपका, 44वां, देखो याद करने की ट्रिक है ये, 44वां कब हुआ था, 4+4=8 यानी कि 1978 के अंदर 44वां आया था। पीछे 8 आ गया 4+4=8 और 4+2=6 यानी पीछे 6 आ गया, 1976 के अंदर आपका 42वां संविधान संशोधन आया था। इसके तहत मौलिक कर्तव्य आपके ऐड करे गए थे। दूसरा प्रश्न क्या आता है भाई, टोटल भारत के संविधान के अंदर टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य, ये भी पेपर के अंदर बहुत बार आता, तो टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तीसरा क्या आता है, किस किस सिफारिश पर ऐड करे गए, संविधान के अंदर है मौलिक कर्तव्य है, किस किस सिफारिश पर ऐड करे गए, ये प्रश्न भी आता है, अभी आगे दिखाऊंगा ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो आपके क्या नाम है, सरदार सवर्ण सिंह समिति की, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है आपके मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर आपके ऐड करे गए। ठीक है, किस किस सिफारिश पर, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आपके ऐड करे गए। ठीक है, उस टाइम पर किस प्रधानमंत्री के द्वारा ऐड करे गए, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था अपना जिस टाइम ये मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए, तो आपके कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान है ये आपके मतलब कि मौलिक कर्तव्य आपके ऐड करे गए थे। ठीक है, अब देखो इनको कैसे याद रखो आप लोग, 42वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता है इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन है तो 4+2=6 यानी कि पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन के मतलब किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को ऐड कराया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 1976 के अंदर अब क्या है भाई कि टोटल कितने हैं, 11 हैं। सिफारिश किसकी, स्वर्ण सिंह समिति, इसको कैसे याद रखोगे भाई, क्या बोले भाई, अगर जैसे भाई देश को अगर मतलब देश के युवाओं को अगर सोने जैसा बनाना है, देश के युवा अगर सोना बन के निकलेंगे तभी मतलब अगर देश के युवाओं को अगर हम लोग ये कहें ना भाई मौलिक कर्तव्यों का पालन करो, तो देश के युवा क्या है सोना बन के निकलेंगे। ठीक है, तो इन सोना बन के यानी सोने से क्या, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर ऐड करे गए। प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, इंदिरा गांधी। अब जैसे आपको पता है 1976 के आसपास इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, आपातकाल लगा था, तो उस टाइम कौन थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी, तो इसके टाइम पर है आपके मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए थे। अब रूस भाई, सवर्ण सिंह क्या बोला, सवर्ण सिंह क्या बोला भाई, संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य ऐड करो नहीं मैं रूस जाऊंगा। सवर्ण सिंह क्या बोला, मैं तो देश के लोगों को क्या है सोना बनाना चाहता हूं भाई, अगर ये संविधान का अगर मतलब पालन करेंगे मौलिक कर्तव्यों का, देश के लिए अगर मर मिटेंगे तो क्या है देश के लिए तो अच्छा ही होगा, तो यानी कि मैं क्या, मैं तो देश के लोगों को सोना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर ऐड नहीं करो, इंदिरा गांधी जी से बोले स्वर्ण सिंह है भाई, अगर ऐड नहीं करो तो मैं रूस जाऊंगा। रूस से क्या बन गया, रूस, यानी मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और कब कब हुआ था, सारा का सारा प्रोसीजर आपका 100% आया, एक प्रश्न रट लियो जमा। ठीक है, कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां, साल 1976, 4+2=6 पीछे 6 गया 1976। ठीक है, कितने हैं टोटल, 11 हैं। किसकी सिफारिश पर, देश के युवाओं को अगर मतलब देश के युवा अगर मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तो क्या है सोना बन के निकलेंगे, यानी सवर्ण सिंह समिति, सवर्ण का मतलब सोना हो गया। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और किस देश के संविधान से लिए गए, रूस। सवर्ण सिंह क्या बोला, अगर मौलिक कर्तव्य ऐड नहीं करे तो मैं रूस जाऊंगा भाई, मैं तो देश के युवाओं को सोना बनाना चाहता हूं, आप नहीं चाहते तो मैं रूस जाऊंगा, यानी रूस के संविधान से लिए गए थे। अगला देखो, अगला क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत, छुआछूत होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा छुआछूत,
छुआछूत आपका एस प्रस्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल पूछा गया वह एस प्रस्यता यानी कि छुआछूत। अब आप लोगों ने देखा कई जने पुराने टाइम का मैं क्या कर जाएगा भैया तू नीची जाति का है ना भाई मेरा हाथ ना लगाइए तू नीची जाति का है, तो इस टाइप का काम होता था पुराने जमाने के अंदर, यानी कि छुआछूत वाला सिस्टम था। एस प्रस्यता मतलब भाई मेरे स्पर्श नहीं करना, मेरे टच नहीं करना। जैसे कई लड़की को एक्सक्यूज मी आप मेरे टच कैसे कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टच करने की, खड़े खड़े है ना यहाँ पर खड़े खड़े, तुम जानती नहीं मेरे पापा कौन है, खड़े खड़े यहीं पर पैंट के लिए करवा सकती हूँ मैं चोरी। तो इस टाइप से क्या है वह ऐसे प्रसिद्ध यानी कि छुआछूत। तो छुआछूत आपका आर्टिकल नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कैसे रखोगे छुआछूत यानी कि 17 बनने तो लग रहा है बस 17 देखो 17 से क्या बन गया 17 से हो गया सताना ठीक है भाई। मुझको सता मत भाई मेरे को छू के ऐसा परिस्थिति का मतलब क्या होगा भाई मेरे को स्पर्श करके मेरे को सताओ मत, सताओ से क्या बन गया 17 यानी कि सताना भाई मेरे को सता मत, मेरे को टच करके या फिर मेरे को स्पर्श करके मेरे को सता मत, यानी ऐसा परिस्थिति 17 और स्पर्शता ता और 17 तो भी दोनों सेम है और 17 से क्या बन गया सताना मेरे को टच करके स्पर्श करके मेरे को सता मत, यानी आर्टिकल नंबर 17 के अंदर आपका ऐसा प्रस्यता है भाई ठीक है अनटचेबिलिटी। अगला क्या राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस आर्टिकल के अंदर दिया भाई कोई भी भेदभाव नहीं होगा भाई किसी भी चीज के ऊपर है भाई किसी भी चीज के आधार पर है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है भेदभाव नहीं करेगा, यह संविधान के किस आर्टिकल के अंदर यह प्रश्न दिया गया बताओ भाई। कई जने 19 कहाँ हैं अरे 19 आ रहे हो मनाई बेबे तरती की बताई थी कि आर्टिकल नंबर अभी अभी मौलिक करते हुए कौन करवाए थे ये मौलिक अधिकार इन मत हमनू देखो भाई किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का मतलब क्या होता है वो उसको समानता मिलेगी, तो समानता किसके अंदर आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में है, तो ये 19 का जिक्र क्यों करो था हम है ये चप्पल दिखा है स्पार्क साड़ी स्पार्किंग कर दी तारा एक के कमा रहा पाछा पाए जो से आर्टिकल नंबर 19 कवा है किस भी आप 19 को दाम तब ना दिखा कौन 19 का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है इबीबे कौन सिखाया था आर्टिकल नंबर 19 से 22 जब बच्चा 18 साल से ऊपर का होता तो उसको फुला आजादी चाहिए स्वतंत्रता चाहिए 19 से 22। अब आप लोगों को दिखने लग रहा है यहाँ पर ये भाई कि भाई किसी के साथ भी किसी भी आधार पर है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का मतलब क्या होता है भाई उसको समानता मिलेगी, समानता का जिक्र है कहीं पर 19 से 22 के बीच में बकवास करने लग रहे तो आपका आर्टिकल नंबर क्या आर्टिकल नंबर 15 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 14 से लेकर 18 के बीच में है समानता का जिक्र ठीक है। और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म मूल वंश जाति लिंग का मतलब समझते हो भाई मेल या फीमेल ठीक है किसी के आधार पर भी उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल नंबर 315 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में 14 का मतलब देखो आर्टिकल नंबर 14 है नॉर्मल समानता चाहिए हमको लेकिन अगर आ जाए अगर नॉर्मल समानता चाहिए मैं नॉर्मल समानता तो आर्टिकल 14 लगाना है। अगर धर्म लिंग जाति मूल वंश किसी का कोई सा वंश है और है अगर वंश और इनका जिक्र हो जाए तो आपका आर्टिकल नंबर 15 है ठीक है इस चीज़ को याद रखना। 15 का मतलब हो गया बंदर है 15 का उल्टा क्या हो गया बंदर है ठीक है भाई बंदर है भाई मैं किसी भी आधार पर आप मेरे साथ भाई धर्म के साथ भाई मैं इस धर्म का हूँ ठीक है या मैं इस जाति का हूँ या मैं इस लिंग का हूँ भाई मैं पुल्लिंग हूँ या स्त्रीलिंग भाई नर हूँ या मादा मतलब आप मेरे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव करके मुझको बांध के नहीं रख सकते आर्टिकल नंबर 15 और बंदर है ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 किससे संबंधित था यूपीएससी से अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे 15 यानी कमरे के अंदर बंद रहे तो उसी टाइप से 15 यानी कि आप मेरे को इनमें से किसी भी के आधार पर भी भेदभाव करके कमरे के अंदर बंद नहीं रख सकते मैं बाहर जाऊंगा यानी आर्टिकल नंबर 15 ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना या जबरन श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? आप लोग ये देखो क्या है भाई, मैंने क्या बताया था भाई, अगर आप किसी से क्या 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी हो, अगर आप उसे जबरन अगर कोई भी काम करवाने लग रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, आप उसका शोषण करने लग रहे हो। आप क्या है उसका शोषण करने लग रहे हो, अगर आप किसी से भी अगर आप लोग जबरदस्ती काम करवाओगे, कोई भी हो चाहे, ठीक है, चाहे 14 साल से कम का हो चाहे 14 साल से ज्यादा का हो, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती अगर कुछ भी काम करवाने लग रहे हो, तो आप उसका क्या करने लग रहे हो, आप उसका शोषण करने लग रहे हो। और शोषण करोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा था अभी करवाए थे भाई, आदमी क्या है 19 से 22 साल की उम्र में उसको क्या चाहिए, फुल आजादी चाहिए, फुल स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि जो आपका आजादी यानी कि स्वतंत्रता वाला जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार हो किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में। उसके बाद क्या फुल आजादी के अंदर घूमेगा तो बाहर कुछ कर्मकांड भी करेगा, यानी 23 यानी कि 22 के बाद 23 24 साल की उम्र में क्या है भाई, बार महिला को सेट कर लेगा, महिला उसको सेट कर लेगी, ठीक है, और उस चक्कर में क्या शोषण होएगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 24 के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर 23 24 यानी कि क्या है 24 आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर आप लोग जबरदस्ती मजदूरी करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, तो आप उसका क्या करने लग रहे हो, आप उसका शोषण करने लग रहे हो, तो आर्टिकल नंबर 24 के अंदर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। याद होने लग रहे होंगे प्रश्न है, या कुमकुम यादव क्यों मुंह न ठहरी है, डी 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 हो गया याद। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अगला देखो क्या, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है कितने प्रकार की रिट है जारी किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की जो रिट है वो जारी की जा सकती है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये भी करवाऊंगा, सारी की सारी रिटें याद करवाऊंगा। सर जी भूगोल का भी एक बार रिवीजन आ रहा है, सारे करवा दियो, मैं टेंशन ना लो। सर आज आप इतना सीरियस क्यों हो, कोई सीरियस नहीं है। देखो तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा आपके 5 प्रकार की अलग अलग टाइप की रिटें हैं जारी की जाती है, आगे करवाऊंगा मैं रिट कौन कौन सी हैं, इसको कैसे याद रखोगे, भारत का जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आपको अलग अलग प्रकार की 5 रिटें जारी करने का अधिकार है आपके मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट। जैसे मान लो पुलिस आपको जबरन अरेस्ट कर ले जाती है, ठीक है, तो पुलिस के पास मतलब ये कानूनी रूल है ये कि 24 घंटे के अंदर है आपको क्या है भाई जज साहब के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है, आप उसको 24 घंटे से ज्यादा है भाई आप उसको धक्के से थाने के अंदर बिठा के जेल के अंदर बांध के नहीं रख सकते, ये आपका कानूनी नियम है, आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप की है अलग अलग प्रकार की 5 रिटें जारी की जाती है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आगे आएंगी, ठीक है, सारी की सारी रिटें आएंगी आगे। अगला प्रश्न देखो आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य आप लोग देखो, मौलिक कर्तव्य क्या है, अपने देश के प्रति अपने क्या क्या कर्तव्य हैं, तो देखो पढ़ के देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, बिल्कुल भाई अपना जो पर्यावरण जो की रक्षा करना, पेड़ पौधे की और जो रक्षा करना है अपना मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, यह भी अपना मौलिक कर्तव्य है। चुनाव के दौरान मतदान करना, यह अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। इलेक्शन के टाइम पर है भाई, आप मेरे को किसी भी तरीके से बाध्य नहीं कर सकते भाई, मैं वोट डालूं या ना डालूं, ठीक है, ये मेरी मर्जी होगी कि भाई मैं वोट डालूं या ना डालूं। आप संविधान का पालन करने के लिए मेरे को बाध्य कर सकते हो भाई, बिल्कुल बाध्य। पुलिस ये छोड़ रखे जी, इसीलिए तो छोड़ रखे हैं, ये तो हम कॉन्स्टेबल बन की भर्ती होने लगे पुलिस के अंदर, किस लिए, आप लोगों को संविधान का पालन करवाना है, ठीक है, कोई कानून का पालन ना करे उसका पच्छा पलट जड़ना है, आगे बात समझ में। तो यानी संविधान का पालन करना आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ों को नहीं काट सकते आप अंधाधुंध, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन चुनाव के दौरान मतदान करना, ये आपका कर्तव्य नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, कोई आपको घर से उठा के नहीं लेके जाएगा भाई वहां पर जाकर तू वोट डाल, ठीक है, ये आपकी मर्जी पे होगा, आपकी सेल्फ इच्छा पे होगा भाई, आप डालना चाहो या ना मत डालो, ठीक है। तो ये आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो अनुच्छेद के अंदर जिसके अंदर जिक्र किया गया है वो आपका आर्टिकल नंबर 51A, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 51A, आर्टिकल नंबर 51। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग भाई, आर्टिकल नंबर 51 के अंदर क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, वन, ठीक है। अगर आप लोग क्या है वन का मतलब क्या हो गया, एक नंबर, ठीक है, वन का मतलब क्या हो गया, एक नंबर, ठीक है। अगर आप लोग क्या है मौलिक कर्तव्यों का पालन करोगे तो आप लोग देश के एक नंबर के नागरिक बन जाओगे,
ठीक है, अगर आप लोग क्या है मौलिक कर्तव्यों का पालन करोगे तो आप लोग क्या है देश के एक नंबर के नागरिक बन जाओ, यानी 51। ठीक है, 51 का मतलब क्या है, अगर आप लोग देश के मौलिक कर्तव्यों का पालन करोगे तो आप लोग देश के एक नंबर के नागरिक बन जाओ। या इसकी एक और भी ट्रिक है 51 का मतलब क्या है, एक वन भाई, एक एक जो वन है, एक एक वन की रक्षा करना भी क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। अभी भी पीछे करवाया था ना भाई, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या, जितने भी वन वगैरह हैं ये, ठीक है, और एक एक वन की रक्षा करना, 51 से क्या बन गया आपका, 51 से बन गया आपका एक एक वन, एक एक वन की रक्षा करना भी क्या आपका मौलिक कर्तव्य, यानी आर्टिकल नंबर 51A के अंदर क्या है, मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन सा संशोधन, फटाफट लिखोगे मेरे साथ, फटाफट रिवीजन, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से संशोधन के तहत ऐड करेंगे, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से संशोधन के तहत ऐड करेंगे, अभी करवाया था। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य ऐड करेंगे, जल्दी बताओ। टोटल मौलिक कर्तव्य है कितने, जल्दी बताओ। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के टाइम पर मौलिक कर्तव्य ऐड करेंगे थे भारतीय संविधान के अंदर, जल्दी बताओ, फटाफट से आने चाहिए प्रश्न, तो जल्दी बताओ। संशोधन कौन से संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, साल कौन सा था, 4+2=6, यानी 1976 के अंदर कराया गया। समिति कौन सी थी, देश के नागरिक अगर मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे तो सोना बन के निकलेंगे, सोने से क्या बन गया आपका, सवर्ण सिंह समिति, रट जाइए, मौलिक कर्तव्य पक्के आओगे। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके मौलिक कर्तव्य ऐड करेंगे, टोटल कितने थे, 11 थे। प्रधानमंत्री कौन था भाई, 1976 के टाइम पर एमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ही उस टाइम प्रधानमंत्री थी, इस टाइम मौलिक कर्तव्य ऐड करेंगे। आर्टिकल कौन सा है, कौन से संविधान के आर्टिकल के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, आर्टिकल नंबर 51 की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य, यानी 51 से क्या बन गया आपका, एक एक वन की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, यानी आर्टिकल नंबर 51A के अंदर क्या है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। तो ये सारे के सारे आपके याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए, आ रहा हुआ प्रश्न है, सीजीएल के अंदर आया हुआ प्रश्न है ये, अड़के मत लेना इनको, जितने प्रश्न लेके आ रहा हूं ना क्लास के अंदर, सारे प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीटेड है, एक भी प्रश्न मैं खुद नहीं बना के लेके आया, सारे एसएससी के अंदर आए हुए हैं। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर ऐड करेंगे, अभी अभी करवाया है, सवर्ण सिंह समिति। अगर आप लोग क्या है देश के लिए मौलिक कर्तव्य का पालन करोगे तो आप लोग क्या सोना बन के लिखोगे, यानी कि सवर्ण का मतलब सोना बन के लिखोगे। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, जब आप लोग 32 साल के हो जाओगे तो जितने भी आपने कर्म कांड करे क्या उनका क्या है, आप लोग उपचार करोगे, जितने भी आपने कर्म कांड करे हैं भाई, किसी के शोषण कराया है, ठीक है, कितने बालक जाम में है तामना, जो भी सिस्टम तामना कराया क्या, उसका क्या आपको उपचार करना पड़ेगा। तो यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के अंदर अभी करवाए थे, बोलने नहीं लग रहे, करवाए थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 करवाया था। जब आप लोग 32 साल की उम्र में हो जाएंगे तो जितने भी कर्म कांड करे थे उनका क्या करोगे, उपचार करोगे, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के अंदर क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, ये हो गया आपका संवैधानिक उपचार। अगला देखो क्या, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित, धार्मिक मामले, अरे कौन बताई थी भाई, आप लोग क्या 23 से 24 साल की उम्र में शोषण का शिकार होगे भाई, 19 से लेकर 22 साल की उम्र में आपको क्या चाहिए, फुल स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप अगर फुल आज़ादी के अंदर घूमोगे तो आप 23-24 साल की उम्र में महिला से सेटिंग करोगे, महिला आपसे सेटिंग करेगी, ठीक है, महिला पुरुष से सेटिंग करेगी, तो क्या शोषण होगा, 23-24 साल की उम्र में शोषण हो गया, यानी अभी बताया था आर्टिकल नंबर 24 के अंदर क्या था, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का शोषण का अधिकार। ठीक है, अब क्या था भाई, शोषण शासन हो जाएगा सबकी, मैं बोलिया तो 25 से लेकर 28 साल की उम्र के अंदर क्या करोगे, घास चरोगे, घास तो नहीं चरोगे तो भाई, जिसके साथ भी जो भी तुमने संबंध बनाए थे शादी भी करनी पड़ेगी, अब वो किसी और धर्म की है, तो यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंदर किसका अधिकार था आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 से 28 के अंदर देखो कौन था आया, 25 से 28 के बीच में आपका 26 आने लगे रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता देता है आपका, आर्टिकल नंबर 26 है, यानी कि 25 से 28 के बीच में आने लगे रहा है, तो आर्टिकल नंबर 26 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 51A की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य किसके अंदर आपके, आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल नंबर 21 देखो, आर्टिकल नंबर 21 भी याद करवाता हूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 है जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 है, 21 को कैसे याद रखोगे, 21 तो मेरे हिसाब से इस क्लास के अंदर एक बच्चा भी नहीं मिलेगा जिसके आर्टिकल नंबर 21 याद ना हो इस क्लास के अंदर। सर प्लीज आराम से पढ़ाओ, हम आपके जितने इंटेलिजेंट को नहीं। अच्छा भाई, अच्छा देखो भाई, ये आपका आर्टिकल नंबर 51A क्या है,
आपका जैसे 51, 1-1-1, ठीक है, और मैं अगर 1-1-1 की रक्षा करूँगा तो मौलिक कर्तव्यों का पालन तो होगा ही, यही तो मेरा मेन नियम है धरती का, ठीक है। तो देखो आर्टिकल नंबर 21 आ रहा है, इतने स्लो पढ़ा हुआ ना तो सारी रात तब जाए तो भी क्लास पूरी को नहीं हुआ है, 150% है क्लास के अंदर, ठीक है, 150। तो आर्टिकल नंबर 21 सारे का याद होगा, चुंबन चुंबना की फोटो भेज दी दीपक कुमार ना 21, अरे यार तो रील मेरी वायरल हो रही थी। देखो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 का मतलब क्या है, आर्टिकल नंबर 21 का मतलब होता है प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार है आपका, किसके अंदर इसका जिक्र है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है आपका प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 21 इसको याद कैसे रहो, 21 का मतलब क्या है, एक किस, ठीक है, एक किस, और एक किस आपको कहां पर मिलती है, एक किस आपको प्राइवेसी के अंदर ही मिलती है, एक किस आपको पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं मिलेगी, आप लोग इधर सड़क के ऊपर जाके नोकोगे मुझे चुम्मी दे दे तो चुम्मी नहीं मिलेगी भैया, एक किस आपको प्राइवेसी के अंदर किसी रूम के अंदर ही मिलेगी, यानी आर्टिकल नंबर 21 क्या बनेगा, एक किस कहां पर मिलती है आपको, प्राइवेसी के अंदर मिलती है, यानी प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। 51 1-1-1 यानी भाई 1-1 की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 51 1 के अंदर किसका है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, ठीक है। और आपका किसके अंदर ये करवाए थे, 25 से 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता, जब भी आप 25 से 28 साल की उम्र के अंदर क्या जाओगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, यानी आपके आर्टिकल नंबर 26 के अंदर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र 25 से 28 के बीच में है, हो गया। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, नेक्स्ट क्या, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष के भारत के संविधान, मतलब भारत के संविधान में जोड़ा गया भाई, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 4+2 ट्रिक करवाई थी अभी अभी। देखो 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक आपका 44वां है, ठीक है, एक तो आपका 44वां और एक आपका 42वां, दोनों को याद कैसे रखना भाई, 42 में क्या है, 4+2 6 यानी कि 1976 पीछे थे, यहाँ पर 6 का मतलब क्या है, 4+2 6, ठीक है, और 4+4 8 यानी कि 1978, ठीक है, ये 8 यानी 4+4 8 और 4+2 6 यानी 1976 के अंदर आपका 42वां संविधान संशोधन आया था। प्रश्न पेपर के अंदर ये भी आता है, कौन से संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, तो भारत का जो लघु संविधान है वो किसको बोला जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन है उसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आपका 1976 के अंदर 42 4+2 6 यानी 1976 के अंदर आपका भारत का क्या है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, अड़के मत लेना, अभी भी 1978 गवा है, अरे कौन सा है रे 1978, मेरी बताइए एक बार, सकल दिखाई प्रवीण कुमार भाई यार कुए यार 1976 है, 78 कैसे कहो यार, कदस्ती तो नहीं कहना 44वां, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बुरा नाम है, सॉरी, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। अगला देखो क्या, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं आंशिक रूप से किस देश के संविधान में निहित अधिकारों के विधायक से प्रेरणा लेती है, जो भारत के जो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से हैं लिए गए, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भारतीय संविधान के अंदर है, सर इंडिया जीत गया, जीतनी थी मैं देख लूँ एक बार इसके ऊपर नेट के ऊपर स्कोर, इंडिया तो जीतनी थी, जिस टाइम उनके 3 रनों पर 4 विकेट उड़ गई थी, मुझे तभी पता लग गया था इंडिया जीतती गया, जीत गई भाई 49 पर 9 जने आउट हो गए श्रीलंका के, कोई बचा तो कौन ही, ये तो भाई श्रीलंका तो घने रन आ रहेगी, 49 पर 9 लुढ़क लिए श्रीलंका के भैया, डी शाबाश भाई शाबाश। देखो भाई कैसे है आपके मौलिक अधिकार, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, क्या आपके मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, आपके यूएसए के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से, इसको कैसे आप लोग याद रखो भाई, मौलिक अधिकार आप लोगों ने देखो मौलिक अधिकारों के अंदर क्या क्या है, समानता का अधिकार, सारे के सारे मौलिक अधिकार लिखो मेरे साथ, मेरे साथ लिखो, 14 से 18 साल की उम्र में क्या चाहिए आपको, समानता चाहिए, चाहिए समानता, अभी याद भी करवाऊंगा इसको, ठीक है भाई, ये संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, 19 से 22 साल की उम्र में, जैसे 18 के बाद आपको फूल आजादी चाहिए, 18 से ऊपर हो जाता है, यानी कि आपको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद आपका 23-24 साल की उम्र में क्या होगा, आपका शोषण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 23-24 साल के बाद 25 से 28 साल की उम्र में क्या चाहिए आपको भाई, जो लड़की के साथ शादी भी करनी पड़े, दूसरे धर्म की भी हो सका है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 29 से 30 साल की उम्र में भाई आप बच्चे भी जमा हो, बच्चे थे क्या शिक्षण और सांस्कृतिक जो ज्ञान है वो भी दोगे आपके, किस उम्र में 29 से 30 के, और 32 की उम्र में क्या करोगे, जितने भी कर्मकांड करेंगे क्या करोगे, उपचार करो, यानी संवैधानिक उपचार
विचारों का अधिकार करोगे। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर आप लोग देखो एक कॉमन सी बात, आपके पास यही अधिकार तो होने चाहिए, छह अधिकार आपके पास ये होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ये छह अधिकार है, मतलब कहाँ से भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका आपको पता है सबसे ज्यादा विकसित देश है। सबसे ज्यादा विकसित देश कौन सा आपका? धरती का संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा विकसित देश है। विकसित देश का मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। और वहां से क्या मौलिक अधिकार आए हैं, कैसे याद रखोगे भाई? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को तो पता है भाई हमारे मौलिक अधिकार, हमारे कुछ अधिकार हैं समाज में रहने खातर, तो किन को पता होता है? वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को पता। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो इसलिए मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। अगला देखो क्या, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य मैं उनको ये प्रश्न मैं मौलिक कर्तव्य सारे दोबारा करवा दूं, मौलिक कर्तव्य सारे के सारे फटाफट रिवीजन मारोगे मेरे साथ। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। मौलिक कर्तव्य 42वां और 4+2=6 1976 के अंदर जमा रटवाए दूं पेपर का मनु देख दे टिक मार के आओगे। उसके बाद कौन सी समिति थी? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आपके ऐड करे गए, ठीक है। उसके अलावा कौन सी प्रधानमंत्री थी उस टाइम? इंदिरा गांधी उस टाइम आपकी प्रधानमंत्री होया करती थी, जिस टाइम मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर जिक्र मिलता है संविधान के? कौन से अनुच्छेद के अंदर इनका जिक्र मौलिक कर्तव्य का आपका? 51A भाई, 1A1 की रक्षा करना मेरा मौलिक कर्तव्य यानी आर्टिकल नंबर 51A के अंदर आपके मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, ठीक है। अब क्या भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी बताई थी मैंने? वो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने आपके? टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आपके प्रश्न याद होना चाहिए पेपर के अंदर 100%। एक प्रश्न आओ या तो समिति पूछेंगे, ठीक है, या प्रधानमंत्री पूछेंगे, ये आपका संविधान संशोधन पूछेंगे, ठीक है, या आपका यो पूछेंगे कौन सा आर्टिकल के अंदर, या ये पूछेंगे टोटल कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तो आपके याद होने चाहिए, ठीक है, वरना पता न हो जाएगा आपका शिगर वाला। आगे देखो आगे क्या है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता भाई मतलब एकल नागरिकता का मतलब है भाई यहाँ पर ये कौन है? जैसे अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर जैसे अलग अलग जो स्टेट है ना, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता इस टाइप से, मतलब जैसे अलग अलग जैसे स्टेट है, मान लो भाई अपना जैसे अपना देश के अंदर लगा लो, जैसे भारत की अलग नागरिकता मिलेगी, आप जैसे हरियाणा के अंदर रहने लग रहे तो यहाँ की अलग नागरिकता मिलेगी। नागरिकता मतलब भाई ये यहाँ का नागरिक है, इस चीज़ का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो एकल नागरिकता भारत के अंदर, एकल नागरिकता भारत के अंदर ये कोई सिस्टम नहीं है भाई, उस राज्य का ये उस राज्य भारत के अंदर है भाई, हम सब भारतीय हैं, कोई सी भी राज्य के अंदर रहता हूं, कोई सी भी स्टेट के अंदर रहता हूं, ठीक है। तो भारत के संविधान के अंदर जो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम। इसको कैसे याद रखो भाई? किंग, किंगडम के अंदर क्या है? किंग। और किंग हमेशा क्या है? किंग हमेशा एक ही आदमी किंग होता है, एकला आदमी ही किंग होता है। कभी आप लोगों ने देखा किसी राज्य के अंदर दो किंग किसी राज्य के अंदर देखे हैं क्या? नहीं देखे ना, दो किंग कभी भी नहीं होते। किंग हमेशा क्या होता है? किंग हमेशा एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से क्या आपकी एकल नागरिकता ली गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एकल नागरिकता कहां से ली गई आपकी? यूनाइटेड किंगडम से ली गई, CHSL 2022 के अंदर आया। अगला प्रश्न देखो क्या, भारत के संविधान में द्विसदनीय जो संसद का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से ली गई? द्विसदनीय का मतलब जैसे अपनी संसद है, संसद के अंदर दो सदन है, अपनी जो संसद है संसद के अंदर दो सदन होंगे, कौन कौन से दो सदन है जल्दी से बोलो। एक आपकी लोकसभा है और एक आपकी क्या है? एक आपकी राज्यसभा है। एक आपकी क्या? लोकसभा है और एक आपकी राज्यसभा है। आपके दो सदन है भारत की संसद के अंदर, दो सदन है। तो जो द्विसदनीय जो संसद है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? CGL 2022 के अंदर आया है। तो द्विसदनीय का प्रावधान आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया। आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? जो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, अपने देश के अंदर आए थे शासन करने, अपने देश के अंदर आए थे अंग्रेज शासन करने, तो अंग्रेजों का क्या काम होता था? फूट डालो राज करो। अब देश को दो भागों के अंदर बांटने का काम होता था अंग्रेजों का, तो यानी कि दो भागों के अंदर बांटना, यानी दवी, दवी का मतलब क्या होता है? दो सदन, अपने संसद को भी दो सदनों के अंदर बांट के गए, ठीक है। तो जो ब्रिटिश है ब्रिटिश संविधान से लिया गया हमने क्या है भाई? अंग्रेज थे, ब्रिटिश अंग्रेज थे, अंग्रेज अपने देश के अंदर आए, देश को दो भागों के अंदर बांटा, तो उसी टाइप से क्या है जो सदन है सदनों को भी दो भागों के अंदर बांटा गया। किसने बांटा? ब्रिटिशों ने। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया आपकी? द्विसदनीय जो संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे देखो क्या है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिए गए? राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं? वो आपके आयरलैंड से लिए गए। इसको कैसे याद रखो आप लोग? आयरलैंड, आयर से क्या बन गया? आयर से बन गया आपका आयरन, आयरन, ए आयरन, आयरन मैन भी बोल सको आप लोग, आयरन मैन। आयरन कौन सा? आयरन का मतलब लोहा है, लोहे वाला आदमी। लोहे वाला आदमी कौन होता है? लोहे वाला आदमी होता है रोबोट। लोहे वाला आदमी क्या होता है? रोबोट। और रोबोट क्या है? रोबोट, रोबोट अपनी नीति के हिसाब से चलता है, अपनी नीति के हिसाब से। मैं जो उसके अंदर जो सेट करूँगा जो मेमोरी, रोबोट उसके हिसाब से चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता कभी भी, मेरी नीति के हिसाब से चलेगा। मेरी नीति, नीति का मतलब मेरी योजना, मेरी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से रोबोट चलेगा। तो राज्य के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अंदर है वो
किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। याद कैसे रखो, आयर से क्या बन गया आपका? आयरन। आयरन का मतलब लोहा, और आयरन मैन, आयरन मैन कौन सा? रोबोट। रोबोट लोहे के हुआ है, ठीक है, रोबोट है। रोबोट क्या है? अपने दिमाग से नहीं चलते, वो मेरी नीति से चलेंगे। मैं रोबोट बनाऊंगा तो मेरी नीति से चलेंगे, अपने दिमाग से नहीं चलेंगे। तो आयरलैंड से क्या लिए गए आपके? नीति निर्देशक लिए गए, सीजीएल 2022 के अंदर प्रश्न आया है। आगे, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया है, किस देश के संविधान से लिए गए भाई? सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भाई, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होंगे उनका भी अलग अलग प्रकार से नामांकन होगा, यह भी आपके आयरलैंड से लिया गया है। इसको कैसे देखो भाई, आयरलैंड के अंदर क्या क्या? लैंड, ठीक है, और लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है? धरती, और धरती का नामांकन ही तो होता है। धरती का क्या होता है? धरती का नामांकन नहीं होता क्या? धरती किधर गई? धरती का नामांकन नहीं होता। जैसे भैया धरती किसके नाम है? ये जमीन, ये किला किसके नाम है? मेरे नाम है। ये धरती किसके नाम है? मेरे नाम है। तो धरती का नामांकन होता है, ठीक है। तो आयरलैंड यानी कि लैंड है, लैंड का क्या होता है? नामांकन होता है। तो जो आपका आयरलैंड है, जो क्या नाम है, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन, कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। एसएससीएम टेस्ट 2021 के अंदर प्रश्न आया है। अगला देखो, अगला क्या है? भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसको कैसे याद रखो आप लोग? अफ्रीका। अफ्रीका से क्या बन गया? अफ्रीका से बन गया फ्रीका। फ्रीका, ठीक है, फ्रीका। और जो भी फ्री की चीज होती है, फ्री की चीज को क्या है? हर कोई बदलना चाहता है। फ्री की चीज को हर कोई बदलना चाहता है, यानी संशोधन। बस संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब ही बदलाव होता है। संशोधन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ चेंज करना, संविधान के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना, उसी को तो संशोधन बोलना है। तो संविधान के अंदर जो संशोधन का मतलब बदलाव, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका का मतलब फ्री का। फ्री की चीज को क्या है? हर कोई क्या है? बदलना चाहता है, हर कोई उसको चेंज करना चाहता है। यानी कि एसएससीएम टेस्ट 2021 के अंदर दक्षिण अफ्रीका से क्या है आपका? संविधान संशोधन है, ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से आपका कौन सी चीज ली गई है? तो आपकी पंचवर्षीय योजना ली गई। पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है आपकी? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग भाई? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट से क्या बन गया? सोशल कार्य करने। सोशल का मतलब आपका सामाजिक कार्य करने, ठीक है। और जो पंचवर्षीय जो योजनाएं बनाई गई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी पंचवर्षीय योजनाएं, सीपीओ 2019 के अंदर आया है। पंचवर्षीय योजनाएं किस लिए होती थी? पंचवर्षीय योजनाएं होती थी आपकी जो सामाजिक जो कार्य करते थे, मतलब देश के अंदर जैसे जो भी, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था आपका? फैक्ट्री औद्योगिकरण करना, ठीक है। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का मकसद क्या था? बस समाज की सेवा करना, समाज का विकास करना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना यानी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या? सोशल यानी सामाजिक विकास करना, ठीक है। तो सामाजिक विकास करने से मतलब सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से क्या चीज ली गई आपकी? पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई आपकी? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? अभी भी बताया था, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है आपके? अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका से क्या लिए गए आपके? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। अब आप लोग ये देखो भाई, न्यायपालिका क्या आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्र होगी, तो ये प्रावधान आपका कौन से देश के संविधान से लिया गया? ये प्रश्न पूछेगा, ये बताओ भाई। ओ भाई थक गए भाई, वेट सर, इंडिया विन 55 रन पर ऑल आउट। अरे मैंने तो बोलिया ही था अभी, अभी क्लास के अंदर भी तो बोलिया था। शाबाश शाबाश, इंडिया जीत गई, बाजावाड़ा है। सर आज खाना भी नहीं, खाने दोगे क्या? नहीं भाई नहीं, खाना नहीं खाना, आज आज त्याग दो भाई, त्याग दो। डी 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 बिल्कुल भाई, सबका बिल्कुल, जिसका भी डी आए बिल्कुल, सी करेक्टर है। अमेरिका इसका सी करेक्टर है। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ है भाई? जो आपकी जो भी मतलब की जो कोर्ट है, जो आपका जो भी कोर्ट होता है, देखो भाई क्या है भाई, जो भी आपका जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ठीक है। और कोर्ट स्वतंत्र कहां पर होगा आपका? जिस देश के लोग क्या है, जिस देश के लोग आपके सबसे ज्यादा जो जागरूक होंगे ना, एक सेकंड रुक जाओ भाई,
एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्कोर कार्ड देख लूँ। देखो भाई, बस जिस देश के लोग सबसे ज्यादा स्वतंत्र होंगे कौन से, ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, कौन बताओ है? तुक्के ना मारा करो, अभी ये याद करो, कदे भी कौन भूलोगे। जोन से देश के नागरिक क्या है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो वहां की जो न्यायपालिका वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। अमेरिका से लिया हमने सिद्धांत, वहां की न्यायपालिका है, न्यायपालिका ऊपर कौन भाई मंत्री लग रहा है, तो भाई इसने पैसे ठोप दिया, अपना राजनीतिक प्रेशर डाला और अदालत का फैसला बदल दिया, तो न्यायपालिका स्वतंत्र। भाई जहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, वही लोग इस चीज को मानेंगे। आपके जो न्यायपालिका अदालत क्या होनी चाहिए, आपकी कोर्ट आपका स्वतंत्र होना चाहिए, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका के अंदर, और सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग वही क्या है, वही आपके मौलिक अधिकार भी मानते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, आपके अमेरिका से लिए गए, यानी कि उनको वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे जो कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे भाई, ठीक है। CHSL 2023 के अंदर आया। अगला देखो क्या, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया भाई, स्वतंत्रता का सिद्धांत आप लोगों को देखो भाई, स्वतंत्रता का सिद्धांत है किस देश से लिया गया भारतीय संविधान के अंदर, CGL 2023 के अंदर आया, ये आपका फ्रांस से लिया गया, फ्रांस से। इसको कैसे याद रखोगे आप लोगों, फ्रांस, फ्रांस होता है आपका डैंड्रफ, फ्रांस क्या होता है डैंड्रफ, जो अपने हरियाणवी के अंदर, जो अपने सिर के अंदर ये व्हाइट व्हाइट नहीं हो जाता, जो डैंड्रफ होता है जो सिर के अंदर व्हाइट व्हाइट है, अपने हरियाणवी के अंदर क्या, जो अपने हरियाणा के अंदर है, ऐसे बोला जाता है, जो फ्रांस होता है उसको हरियाणा के अंदर है, उसको डैंड्रफ को फ्रांस बोला जाता है, फ्रांस, फ्रांस बोलो उसकी, जो डैंड्रफ होता है ना, डैंड्रफ को हरियाणा के अंदर क्या बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं, ठीक है। और हर कोई क्या फ्रांस से, हर कोई डैंड्रफ से क्या है, फ्रांस से स्वतंत्रता चाहता है, हर कोई डैंड्रफ से क्या है, फ्रांस से स्वतंत्रता चाहता है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया आपका, फ्रांस से लिया गया। याद कैसे रखोगे भाई, हर कोई फ्रांस से आ गया समझ में। अगला देखो भाई, पंजाब से कौन सा राम राम करे भाई, पंजाब से राम राम कौन सा, सरात में काले चश्मे, अरे कंप्यूटर की भी करवा देंगे टेंशन, राम राम गुरुजी पंजाब से, गुरी सेलवाल, अरे फैशन है फैशन भैया। आगे देखो, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय का मतलब क्या होता है, वित्तीय का मतलब होता है मनी, मनी वित्तीय, वित्तीय सिस्टम सारा क्या है, पैसे वाला है तो सिस्टम, खजाने वाला सिस्टम, मैंने बताया था वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, उसका संबंध किससे था बताओ, वित्त आयोग का संबंध कौन से आर्टिकल से था, पहला ही प्रश्न था ये, वित्त आयोग का संबंध कौन से आर्टिकल से है, वित्त आयोग का संबंध आर्टिकल नंबर 280, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, 80 से क्या बन गया आपका, 80 यानी कि सी, 80 से सी, जैसे ही आपको क्या है वित्त आयोग का मतलब, वित्त आयोग का मतलब क्या था, खजाना, जैसे आपको खजाना दिखेगा, खजाना दिखते ही आपकी क्या है सिट्टी बजेगी सी, यानी आर्टिकल नंबर 280 आपका खजाना, वित्त आयोग का जिक्र है। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या होता है, देश के अंदर पैसे की जो कमी हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगता है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल यानी कि वित्तीय का मतलब क्या, मनी, ठीक है। मनी किसके अंदर आने लग रहा है, जर्मनी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, जर्मनी से आपका, जर्मनी के अंदर ये मनी आने लग रहा है ना, तो जर्मनी से क्या लिया गया आपका, वित्तीय आपातकाल आपका कहां से लिया गया है, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। कहां से लिया गया आपका, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। सर आपकी क्लास लेट लेते टाइम मुझे फोन की वॉल्यूम कम करनी पड़ती है, ओके ओके ओके। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न देखो क्या, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, मतलब संघ लोक सेवा जो आयोग है आपका यूपीएससी, यूपीएससी का प्रावधान कौन से भाग के अंदर है, अब आपसे भाग पूछा गया है, ठीक है। अब आपसे भाग पूछा है तो भाग आपका 14, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भाग नंबर 14, ठीक है। भाग नंबर 14 है, उसके अंदर आपका यूपीएससी का जिक्र है, ठीक है। आर्टिकल पूछ ले हुआ है यूपीएससी का, अगर आर्टिकल पूछ ले, अभी अभी करवाए थे, बताओ फटाफट से कमेंट करके, नहीं स्पार्किंग करवा दी तारी, या स्पार्क साड़ी चप्पल है पाछा पर लगेगी, ठीक है, लगती क्या स्पार्किंग होगी, चिंगारी उठेंगी। तो यानी कि देखो किस भाग के अंदर संघ लोक सेवा यूपीएससी का जिक्र है, 14 ये भी याद करवाऊंगा, कैसे करोगे पहले बताओ, यूपीएससी का जिक्र आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर आपका आर्टिकल नंबर 315 है, आर्टिकल नंबर 315 है, इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, 15 का उल्टा क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा क्या हो गया, बंदर है, ठीक है भाई, बंदर है। और अगर क्या है यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको क्या कमरे के अंदर बंद रहना पड़ेगा, तभी आप आर्टिकल यूपीएससी की तैयारी कर सको, यानी आर्टिकल नंबर 315। यूपीएससी के एड कौन है, प्रश्न आता है पेपर के अंदर, यूपीएससी के एड कौन है आपके, मनोज सोनी वो आपके यूपीएससी के हेड है, और इसकी ट्रिक भी करवाई थी मैंने, मनोज सोनी एड, इसकी ट्रिक क्या करवाई थी मैंने, मनोज, मनोज का संधि विच्छेद कर दो, मन प्लस ओज, ठीक है। और ओज का मतलब क्या होता है हरियाणवी के अंदर, ओज का मतलब होता है कुछ ना कुछ डालना, ठीक है, ओजना डालना, ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो भी मेरे मन में आएगा वही पेपर के अंदर ओज दूंगा, यूपीएससी के पेपर के अंदर तो ऐसा ही पेपर आता है, जो भी मेरे मन में आए वही पेपर के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी मनोज सोनी। अब आर्टिकल नंबर आपका 14, सॉरी भाग नंबर, संविधान के अंदर अलग अलग चीज होती है, एक आपके अनुच्छेद होते हैं, एक भाग होते हैं, ठीक है, भाग मतलब पहले भाग के अंदर किस चीज का जिक्र है, दूसरे भाग के अंदर किस चीज का जिक्र, इसी टाइप से भाग
होते हैं। तो आपका आठ जो भाग नंबर 14, अब इसको कैसे रखो, 14 टीन भाई। यूपीएससी की जो तैयारी करनी है वो टीन वाले यानी टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनकी उसके उनका बस का काम कौन है भाई यूपीएससी की तैयारी करना। यूपीएससी की तैयारी करना जो टीनेजर होते हैं, टीनेजर पता होगा आप लोगों को भाई, जितने भी टीन जिसके पीछे लगा ना भाई, आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ठीक है, जिनके पीछे भी टीन लगा है तो ये क्या आपके ये टीनेजर होते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करना वो टीन वालों के बस की बात नहीं है। तो यानी 14 टीन से क्या करना, यानी टीनेजर बच्चों की यूपीएससी की तैयारी करना बस की बात नहीं। तो आपके भाग नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 315 का उल्टा 15 यूपीएससी की तैयारी करनी तो कमरे के अंदर बंद रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित। संशोधन का मतलब क्या होता है, संशोधन का मतलब होता है कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी कि बदलाव। संशोधन का मतलब परिवर्तन या आपका बदलाव। ठीक है, बदलाव अगर आप लोगों को कुछ भी करना है संविधान के अंदर, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो उससे संबंधित आपका कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 368 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 368 इसको कैसे याद रखोगे, 368 का मतलब है 68 का मतलब है भाई 68 का उल्टा क्या होता है, 68 का उल्टा होता है बट। ठीक है, बट का मतलब होता है घमंड। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरी बुरसट है। ठीक है, अब जैसे कई जो व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति क्या होते हैं ऐसे बट के अंदर चढ़े रहते हैं, ऐसे बट का मतलब हो गया घमंड के अंदर, ऐसे बट कौन चढ़ जाए, कई आदमी ना हो ना कौन करूँ मैं तो यो काम, जैसे नु कहते ना भाई उनको, बस जा रहे दूध लिया, जा रहे पानी लिया, ना मैं तो कौन करूँ मैं तो इतने रपियाला हूँ मैं तो नू हूँ, ऐसे बट के अंदर हो जाएंगे। और क्या आर्टिकल नंबर 368 भाई, अड़मत आर्टिकल नंबर 368 बट का मतलब भी क्या होता है अड़ना, आर्टिकल नंबर 368 निकाल देंगे तेरा सारा बट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 निकाल देंगे तेरा सारा बट, यानी आर्टिकल नंबर 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन। बट का मतलब क्या है भाई, तू ऐसे कहो ना भाई मैं तुम्हें घमंड के अंदर रहूँगा, मेरे अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, तो मैं आर्टिकल नंबर 368 लगा के तेरे अंदर जितना भी बट है ना, जितना भी घमंड है, बट का मतलब जितना भी तेरे अंदर घमंड है उस सारे घमंड को आप भाई निकाल दें, यानी परिवर्तन संशोधन संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 का मतलब बट, मेरे अंदर बट आ रहा है, मैं घमंड के अंदर भरिया पड़ा हूँ भाई, मैं कौन करूँ। ठीक है, तो हम आर्टिकल नंबर 368 का उल्टा बट, 368 बट जो भी तेरे अंदर है बट लगा देंगे हम लोग, आर्टिकल नंबर 368 निकल जाएगा तेरा सारा बट, तो यानी गमंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 368 के तहत क्या है, संविधान संशोधन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। भाई राज्य के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए भाई जितने भी जो सीटें होती है राज्य विधानसभा के अंदर अलग अलग प्रकार से सीटों का आरक्षण होता है। जैसे मान लो ये अनुसूचित जाति के हैं तो इनके लिए इतने प्रतिशत आरक्षण हो गया, ये अनुसूचित जनजाति के हैं तो इनके लिए इतने प्रतिशत आरक्षण हो गया। ठीक है, तो जो आरक्षण जो दिया जाता है अलग से, रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो आपका संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है। देखो मैं इसकी ट्रिक बता दूं लेकिन कोई बुरा ना मानियो भाई, सिर्फ याद करने खातर बताऊं भाई, कोई भी जैसे मान लो कोई दूसरी जाति का या कोई भी बुरा ना मानियो, ठीक है, सारे एक के हो यार, कोई जाति जुत्ती को नहीं, अपना देश ने सारा सिस्टम बिठाए रखा है, या जाति वा जाति सब एक के नस्ल के भाई, भगवान ना बनाए रखे, किसी मोर लग रही है कि भाई कौन सी जाति का है। ठीक है, मैं मेरी कोई बताया कौन जाति नू को नहीं होता भाई, किसी का कौन नहीं होता। ठीक है, ये अपना नुकसान किसी नू कैसे को भाई, उस जाति के जाति का कई से ऐसे वहाँ है जो भी नुक उस जाति का नो कुछ को नहीं होता। तो आर्टिकल नंबर 332 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। फिर सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों का जो आरक्षण है रिजर्वेशन वो संविधान के किस आर्टिकल नंबर के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर 332 इसको कैसे याद रखें, 32 से क्या बन गया बत्ती। जैसे ही अनुसूचित जाति और जनजातियों को जैसे ही आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, इन्होंने कैसे अपनी बत्ती दिखाई, आरक्षण मिल गया, ऐसे मतलब दांतों की ऐसे बत्ती दिखाई, आरक्षण मिल गया। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सको भाई, कोई बुरा ना मानियो भाई, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बताइए, कोई भी साथी दिल पर ना लियो भाई, सारे एक के जाति गैर, कोई जाति जुत्ती कुछ को नहीं, मैं तो मान्य भी कौन करो। तो आर्टिकल नंबर 332 याद कैसे रहे, 32 से क्या बढ़िया बत्ती। ठीक है, जैसे ही इनको आरक्षण मिला, आरक्षण मिलते ही क्या है, इन्होंने अपनी ऐसी बत्ती दिखाई दांतों की, आरक्षण मिल गया। आर्टिकल नंबर 332 के तहत क्या है आपका, संविधान के अंदर आपके अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण दिया जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से आपका कौन सा आर्टिकल है संबंधित है, यह प्रश्न पूछेगा, जल्दी बताओ भाई। वित्तीय आपातकाल से है संविधान का कौन सा आर्टिकल संबंधित है। गुरु जी आज सफाई करी थी तो गर्दा तय छाती रुक गई, गर्म पानी पी के क्लास ले रहा हूँ, लर्नर शाबाश, बहुत ही अच्छे।
देखो भाई, तो जो वित्तीय आपातकाल मैंने बताया था, आज तक भारत के अंदर कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल होता क्या है? पैसे की कमी होना, देश के अंदर पैसे की कमी होना, ठीक है, पैसे की कमी होना। अभी इसका जिक्र है संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 360, इसको याद कैसे, आर्टिकल नंबर 360, पैसे को कोई भी नहीं देता, नॉट, ठीक है, आर्टिकल नंबर 360, पैसे को कोई भी नहीं देता, नॉट, पैसे को कोई भी नहीं देता, नॉट। आप किसी को पैसे दोगे, कोई नाटेगा क्या, कोई मना करेगा? नाटने का मतलब क्या था? मना करना। आर्टिकल नंबर 360, 60 का उल्टा, पैसे को कोई नहीं देगा, नाट, ठीक है, पैसे को कोई नहीं देगा, नाट। तो यानी कि आर्टिकल नंबर आपका 360 के अंदर क्या है, आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय का मतलब पैसा, पैसे वाला जो आपातकाल है, आर्टिकल नंबर 360, 60 का उल्टा क्या हो गया, नाट, पैसे को कोई भी नहीं देगा, नाट, यानी आर्टिकल नंबर 360 के अंदर आपका वित्तीय आपातकाल का जिक्र है भाई। अगला देखो, अगला क्या, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। जैसे क्या है, अलग अलग टाइप की सूची है भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर क्या है, सबका पैसा 360 के अनुसार, सारा पैसा गवर्नमेंट का। देखो भाई आगे क्या है भाई, आपकी देखो, आप लोगों को पता भी संविधान के अंदर है, आपकी संघ सूची होती है, ठीक है, संघ सूची होती है। संघ सूची के अंदर क्या होते हैं, जितने भी आपके नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मामले, जैसे रेल डिपार्टमेंट हो गया या और हो गए, ये आपके संघ सूची के अंदर आते हैं, ठीक है। एक होती है राज्य सूची, राज्य सूची होगी भाई जिसके अंदर आपके नॉर्मल डिपार्टमेंट जैसे कृषि वगैरह है, या फिर और भी हो गए, जैसे मान लो जो राज्य स्तर के जो काम होते हैं, स्टेट लेवल के काम होते हैं, वो राज्य सूची के अंदर आ गए। एक होते हैं समवर्ती सूची, जो उस भी छोटे लेवल के काम हुआ है, वो समवर्ती सूची होते हैं, जो कि इन दोनों के अंदर नहीं आते। ये सारे के सारे आपके काम पर, ये सारे के सारे आपके अनुसूची नंबर भारत के संविधान के अंदर, टोटल 12 अनुसूचियां पेपर के अंदर आता है। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान के अंदर, टोटल 12 अनुसूची हैं, और इन 12 अनुसूची के अंदर से क्या है आपकी, मतलब 107वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, तो 7वीं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि पेपर के अंदर बहुत बार आती है, 7वीं के अंदर इन तीनों का जिक्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाए। 7वीं अनुसूची के अंदर इन तीनों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। एक आती है आपकी 10वीं, 10वीं का मतलब क्या, दैसे 10 और दैसे दल बदल, दैसे दल, तैसे 10 और तैसे दल बदल, यानी दल बदल है वो आपकी कौन सी है, दल बदल आपका, आपका 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल का जिक्र है। उसके बाद 11वीं के अंदर देखो, आप लोग देखो भाई, 11वीं जब आप लोग क्लास करते हो, ज़्यादातर जो ग्रामीण जो स्कूल होते हैं, ग्रामीण स्कूलों के अंदर कहाँ तक के स्कूल होते हैं आपके, 10वीं तक के स्कूल होते हैं। 11वीं करने के लिए आपको गाँव से बाहर जाना पड़ता है, यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत, यानी कि जो गाँव का जिक्र आ गया, यानी 11वीं क्लास के लिए क्या है आपकी पंचायत, पंचायत 11वीं अनुसूची के अंदर किसका जिक्र आपका, पंचायत जो होते हैं ग्रामीण जो पंचायत उसका जिक्र है। और 12वीं के लिए आपको शहर के अंदर ही तो जाना है, यानी कि पंचायत गांव जो ग्रामीण पंचायत, उसके बाद क्या है आपका शहर का जिक्र, यानी नगर निगम का जिक्र किसके अंदर आपका, 12वीं अनुसूची के अंदर है। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। तो ये तीन, ये जो चार हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पेपर के अंदर आती है। एक आपकी 8वीं भी होती है, 7वीं बाद जो 8वीं है, 8वीं के अंदर मिलती है आपकी संविधान के अंदर 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। ये भी आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर आता है, ये भी प्रश्न आता है आपका, ठीक है। अभी सारे याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। आगे देखो, आगे क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग, महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति के खिलाफ है, अगेंस्ट वोटिंग करके, राष्ट्रपति के अगेंस्ट वोटिंग करके आप लोग, मैं कहता हूँ कौन से आर्टिकल के तहत है राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हो, राष्ट्रपति के खिलाफ आप लोग वोटिंग लग जाओगे, कारण बस संविधान का जो मतलब संसद है, सारे सारे लग जाएंगे, इस राष्ट्रपति को हटाओ, इनको हटाओ, इनकी जगह दूसरा लगा, उठा सारे वोटिंग कर दें, तो उसको महाभियोग बोलते हैं। तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो आपके कौन से आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर, आर्टिकल नंबर 61 को कैसे रखोगे आप लोग, ये देखो भाई, राष्ट्रपति जो बढ़ता है, राष्ट्रपति का जो पद का जिक्र है वो आपके आर्टिकल नंबर 52 के अंदर, इसको देखो याद करवाता हूं सारी की सारी ट्रिक के साथ। 52, आप लोगों को पता है भारत के अंदर आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, कोई भी आपका यंग एज का तो बना नहीं है। यंग एज का मतलब समझते हो, जवान, कोई 35-40 साल का या 45 साल का या 50 साल का कोई राष्ट्रपति बने आज तक नहीं बना। जिस टाइम आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट की उम्र कब होती है, मतलब रिटायरमेंट 50 के आसपास आदमी रिटायर हो ही जाता है भाई, वैसे बताने लगे, वैसे तो 58 साल की उम्र है रिटायरमेंट, लेकिन वैसे आप ही मना लेते हैं भाई, आदमी 50 साल के आसपास रिटायर हो जाता है, यानी कि 52 साल की उम्र में है, हमने उसको राष्ट्रपति के पद पे बिठा दिया, यानी राष्ट्रपति पद का जिक्र किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 52 के अंदर। और 61 साल के अंदर बहुत साल कर लिया यार, शासन 9 साल बतेरा शासन हुआ है, तो 61 साल के अंदर है, हमने उसको क्या है, पद से हटा दिया, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 61 के अंदर किस चीज का जिक्र है आपका, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर आपका जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति को पद से हटा सकते, तो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर 52 की उम्र में हमने उसको पद पे बिठाया, बाद में 50 के बाद ही, तो 50 के बाद आदमी समझदार हो जाए, ज्ञान आ जाए, तो यानी कि हमने उसको 52 साल की उम्र में है राष्ट्रपति के पद पे बिठाया, और उसके बाद क्या है उसको
9 साल उसने शासन कर लिया, 9 साल के बाद 61 साल का हो गया भाई, 60 तो पूरे तेरे हाथ पैर काम कौन कर दे, और उसको पद से हटा दिया, यानी कि महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के अंदर। हो गया याद? हो गया क्या याद? पंजाबी मूवी नो का मोहित बाजी राम राम दीपक कुमार गजब का समझ आता है। अरे आएगा भाई, लंका दो दी। अरे हाँ भाई, इंडिया जीत गई, मैंने देख लिया फोन के अंदर, इंडिया जीत गई फोन के अंदर देख लिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भाई आप लोग ये देखो भाई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 52 साल की उम्र के अंदर बनता है, तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, ये बताओ भाई। देखो सर, आज बोतल कप में डाले, सर आज पढ़ाते पढ़ाते ना आप थकोगे और ना पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते हम, बिल्कुल आज किसी को नहीं थकना। देखो क्या भारतीय संविधान में कौन से उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से है आर्टिकल नंबर 66, अनुच्छेद नंबर 66। इसको कैसे याद रखोगे भाई, 66 का मतलब क्या होता है, 6 और 6। आप लोगों ने वो देखा होगा डाइस, लूडो का जो डाइस है आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे अलग अलग टाइप से ऐसे मतलब 6 मंडिया होता है इस टाइप से, ऐसे लूडो का जो डाइस, लूडो खेला हुआ बचपन में, उसके ऊपर क्या यहाँ पर 6 छपे होता है। और अगर आप लोगों को पता है वह लूडो के डाइस के अंदर अगर 6-6 करके अगर 3 बार आ जाए तो क्या बारी कट हो जाती है, पता आपको? अगर एक बार 6 आया, 2 बार 6 और तीसरी बार अगर 6 आया तो आपकी बारी कट हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपकी बारी कट हो जाए तो क्या है भाई, क्या कहने लग रहे हैं भाई, 52 साल की उम्र में तो हमने क्या राष्ट्रपति को बना दिया, राष्ट्रपति को बना दिया भाई, ठीक है? उपराष्ट्रपति ने बोला मेरे को मौका देना था, लेकिन तेरे को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे क्या है, तेरे 3 बार 6 आ गए भाई, 3 बार 6 का मतलब 66 आर्टिकल नंबर 66 है भाई, तेरा 3 बार 6 आ गए इसलिए तेरी बारी कट गई राष्ट्रपति का नाम की, तेरे को चलो उपराष्ट्रपति बना देते हैं, ठीक है भाई, डिप्टी राष्ट्रपति बन गया, ठीक है भाई, डिप्टी प्रेजिडेंट तेरे को उपराष्ट्रपति बना देते हैं, राष्ट्रपति की तो तेरी बारी कट गई क्योंकि तेरा 3 बार 6 आ गया, जिसका 1 बार 6 आना था ठीक है उसकी राष्ट्रपति बना दिया हमने, लेकिन तेरा तो 3 बार 6 आ गया, 3 बार 6 का मतलब 2 छक्के आ गए, तेरा 3 बार 6, तेरी तो राष्ट्रपति की बारी कट गई, तेरे को हमने क्या बना दिया, उपराष्ट्रपति बना दिया। तो उपराष्ट्रपति का जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है आपका, आर्टिकल नंबर 66 है, उसके अंदर क्या आपका उपराष्ट्रपति का जिक्र है, याद हो गया? उपराष्ट्रपति का जिक्र किसके है, आर्टिकल नंबर, सर मजा आ रहा है चालू रखो क्लास, अरे क्लास चालू है पवन गोस्वामी, गऊओं के स्वामी टेंशन मत लो, क्लास चालू। अगला प्रश्न देखो क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक, धन जो विधेयक है, धन के बारे में जो भी विधेयक पेश किए जाएंगे वो आर्टिकल नंबर कौन से के अंदर उसका जिक्र मिलता है, जल्दी बताओ। सही है यो जी, गेल्ट हो जा है यो, दूसरी बार में सही लिख दे हैं देख कर। अच्छा ये बालक के, बालक भाई बालक के हैं। देखो भाई धन विधेयक है, इसके अंदर ये एक ऑप्शन गलत है, आर्टिकल नंबर 66 वो तो हो गया, प्रश्न हो गया, 110 आएगा बिल्कुल बिल्कुल भाई, शाबाश, सारे बच्चे होशियार हो रहे हैं, मैं सोच जमा कर दें गलत है कर दें, दीपिका का भी सही आ गया, नींद भी, नींद भी आ रही आज तो सर जी, प्रशांत कुमार नींद आ रही है बेटा, नींद को उड़ा। अब आप लोग ये समझ लो, अगर आप लोग क्या है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की अगर आप लोग तैयारी करने लग रहे हो ना, तो आप लोग अपने आप को अभी से कॉन्स्टेबल समझना शुरू कर दो। आप लोगों ने एक रील भी देखी होगी, एक भाई साहब बताने लग रहे थे, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लग रहे तो आप लोग अपने आप को अभी से सब इंस्पेक्टर समझना शुरू कर दो, ठीक है? दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो कॉन्स्टेबल की, तो आप लोग अपने आप को अभी से क्या है कॉन्स्टेबल समझो, ठीक है? अभी आप क्या हो, कॉन्स्टेबल ही हो। अभी क्लास के अंदर कितने जने हैं, 1750 बच्चे जुड़े हुए, 1737, तो आप 1737 के 1737 बच्चे क्या हो, कॉन्स्टेबल हो, आप अपने आप को कॉन्स्टेबल मान लो, ठीक है? और आप लोगों को बिना सैलरी के पढ़ना है, ठीक है? बिना सैलरी के आपको ड्यूटी देनी है, इस तरीके से समझ लो भाई, आप वहां पर सैलरी लोगे ड्यूटी देनी है, यहां पर बिना सैलरी के ड्यूटी देनी है, अब रात की भी ड्यूटी आएगी तो सोना नहीं है भैया, सोने के पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह कट जाएगी, उसी टाइप से वहां से भी हट जाओगे। तो आर्टिकल नंबर 110 ये गलत से पहले आपका 120 नहीं आएगा, ठीक है? इसको ठीक कर लेना, आर्टिकल नंबर आपका जो 110 है, 110 के अंदर क्या आपके धन विधेयक का जिक्र है। धन का मतलब क्या हो गया, धन का मतलब क्या हो गया, धन का मतलब हो गया आपके पास पैसा, धन का मतलब क्या हो गया पैसा, ठीक है? आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 100 की जगह, अरे उसको छोड़ो, देखो आर्टिकल नंबर 110 इसको कैसे याद रखोगे, आर्टिकल नंबर 110 पैसा आने दे बस, पैसा
आने दे बस। ये जितने भी मंत्री हैं, ये मंत्री क्या कहो हैं, धन विधेयक, धन का विधेयक का मतलब क्या, धन वाला जो प्रस्ताव ले आके, पैसे वाला प्रस्ताव विधेयक का मतलब क्या, तो कोई भी प्रस्ताव लेना, जितने भी मंत्री है क्या है, धन विधेयक लेके, पैसे वाला प्रस्ताव लेके क्या है, क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 110 पैसा आने दे बस, ठीक है। यानी कि धन विधेयक संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है, आपका आर्टिकल नंबर 110 के अंदर किसका जिक्र है, धन विधेयक का। याद कैसे रखोगे भाई, एक आर्टिकल नंबर 110 पैसा आने दे बस, ठीक है भाई। पैसा का मतलब क्या हो गया आपका, धन विधेयक। ऑप्शन नंबर इसका डी है, करेक्ट जो आर्टिकल नंबर 110 पे। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, वह नागरिकता से संबंधित भारत के संविधान का कौन सा भाग है, ये बताओ भाई। एक जनिया कौन सी के बाद में देखोगे, छोरी कड़ा बाज है, अंजू जागलान किते ना जावे, किते नहीं जाना, पट क्लास कम है, बाद में देखो इन तंखा काट लूंगा, ये भी तो कांस्टेबल बनाए दिए हो मैं ना, तामी बे और तामी बे क्लास छोड़ छोड़ के बाजन लगे बैठी राड है। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, भाग नंबर आपका दो, भाग नंबर जो दो है वो आपका नागरिकता, इसको याद कैसे रखो, नागरिकता क्या है, नागरिकता मैंने आपको बताई थी भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान बताई थी मैंने, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत के अंदर है। और एकल नागरिकता का मतलब कहाँ से ली गई थी, एकल नागरिकता आपकी, एकल नागरिकता प्रावधान भारत की कहाँ से ली गई थी, यूनाइटेड किंगडम के उससे ली गई थी, यूनाइटेड किंगडम है उसके संविधान से ली गई थी एकल नागरिकता। अब यूनाइटेड किंगडम, किंगडम का मतलब क्या है, किंग, और किंग क्या होता है, किंग हमेशा एक ही आदमी होता है, यानी कि एकल नागरिकता किंग हमेशा क्या होता है, एक ही आदमी होता है, तो यानी कि एकल नागरिकता आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई, ठीक है। अब किंग एक आदमी होता तो नागरिकता क्या, नागरिकता कभी भी दो नहीं हो सकती, यानी कि भाग नंबर दो, नागरिकता कभी भी दो नहीं हो सकती, नागरिकता सिर्फ एक ही हो सकती है, तो एकल नागरिकता आपकी किसके अंदर, आपकी भाग नंबर दो के अंदर इसका एकल नागरिकता का जिक्र है। आर्टिकल पूछ ले, भाग अलग है आपका, आर्टिकल पूछ रहे तो आर्टिकल नंबर कौन से है, 5 से 11, ठीक है, 5 से 11। इसको कैसे याद रखो, जब बच्चा 5 साल का होता है, मान लो बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, पैदा होते तो उसको कोई नागरिकता की जरूरत नहीं होती, भाई वो भारत का, भाई इस राज्य, भाई वो भारत का है कि कौन सा देश का, उस टाइम पर कौन जरूरत होती, लेकिन जैसे वो 5 साल का हो जाता है, 5 से 11 साल की उम्र में उसको नागरिकता की जरूरत पड़ती है। कल को कोई भी पूछ ले, हाँ भाई तू किसका है, बताना तो पड़ेगा ना भाई, मैं रामफल का हूँ, रमेश का हूँ, श्याम का, किसका हूँ, बताना तो पड़ेगा, तो उसी टाइप से उसको नागरिकता की जरूरत पड़ी, पहचान की जरूरत पड़ी, मैं भारत देश का हूँ, तो जब वो 5 से 11 साल की उम्र के अंदर होगा तो उसको बताने की जरूरत पड़ी, मैं भारत देश का हूँ, तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर आपका नागरिकता का जिक्र है, ठीक है। और भाग नंबर दो, नागरिकता कभी भी दो नहीं हो सकती, सिर्फ एकल होती है, यानी कि आपका दो हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, भाई राज्यों के अंदर अलग अलग टाइप के राज्यपाल होंगे, ये भारत के कौन से आपके आर्टिकल के अंदर है, ये बताओ भाई, किस आर्टिकल के अंदर है राज्यपाल का प्रावधान है, ये बताओ भाई, राज्यपाल का प्रावधान है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, आधार कार्ड में तो 5 की बन जाते रहे समझाने खातर है काका। तो आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 153 के अंदर आपका क्या है, राज्यपाल का प्रावधान है, ठीक है। अब किसको कैसे याद रखो, देखो भाई मैंने क्या बताया था, 52 साल की उम्र में क्या है, 52 साल की उम्र का अगर कोई भी व्यक्ति हो जाएगा तो उसको क्या राष्ट्रपति के पद पर बिठा देंगे, 50 साल की उम्र के बाद ही तो आदमी समझदार बनता है, 50 साल तक के आदमी को तो समझदार मानते ही नहीं लोग, तो 50 साल से बड़े आदमी को क्या है लोग समझदार मानते हैं, तो भाई मैंने क्या बोला, 52 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति हो मैंने उसको क्या राष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया, ठीक है। अब आप लोग देखो क्या है, 61 साल की उम्र में, 61 साल की उम्र में यानी कि आर्टिकल नहीं आर्टिकल, ठीक है, 61 साल की उम्र में क्या है, वह उस रिटायरमेंट देते, 9 साल बहुत ज्यादा राष्ट्रपति का पद संभाल लिया, यानी 61 साल की उम्र में क्या है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल नंबर 66 के अंदर किसका जिक्र है, आर्टिकल नंबर 66 के अंदर मैंने क्या बताया था, लूडो के अंदर, लूडो के अंदर अगर आपके क्या 3 बार अगर 6 आ जाए तो आपकी बारी कट जाएगी, तो उसको क्या बनाया, दो जने थे, एक जना राष्ट्रपति बन गया, दूसरा जना का 3 बार 6 आएगी, ठीक है, तो भाई एक बार 6 होगा तो राष्ट्रपति बनाए देंगे, दूसरा का 3 बार 6 तो बारी कटगी, तो हमने उसकी क्या बनाया, उपराष्ट्रपति बनाए दिया, यानी आर्टिकल नंबर 66 के अंदर किसका जिक्र आपका, उपराष्ट्रपति का जिक्र है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जिक्र है। अब क्या आया, अब आया राज्यपाल गवर्नर, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति आया, फिर आपका उपराष्ट्रपति आया, अब क्या आएगा, आपका राज्यपाल आएगा। आर्टिकल नंबर 153 के अंदर किसका जिक्र आपका, राज्यपाल का। अब इसको कैसे याद रखो, राज्यपाल का जिक्र किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 153। 53 से क्या होगा, 53 से हो गया 53 से 73 बित्तर, 53 से 53 से 73 73 बित्तर, ठीक है। जैसे भाई क्या हो, जो तीसरा आदमी था, तीन आदमी थे, एक थी तो हमने बना दिया
राष्ट्रपति। दूसरा आदमी था यो इसका तीन बार छह गए थे, इसकी बारी कट गई थी तो इसकी बनाई थी उपराष्ट्रपति। जो फिर तीसरा आदमी था वो क्या हो गया, तितर बितर हो गया, तितरा गया बितरा गया, नू किमें किमें मारने लगा, बुतल ठाठा ही किसी का मारने लगा, किमें किमें उल्टे काम करने लग गया। ठीक है, तो उसके हम के बोले बस तू तितर बितर ना करे, पर तेरे राष्ट्रपति का पद नहीं मिला, तेरे को उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिला, तो तू तितर बितर ना हो, तेरे को हम लोग क्या है राज्यपाल बना देंगे, तेरे को हम लोग क्या है राज्यपाल बना देंगे, तू तितर बितर ना हो। तो आर्टिकल नंबर 153 के अंदर किसका जिक्र मिलता है आपका, राज्यपाल का जिक्र किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल नंबर 153 याद कैसे रहोगे, 53 से तितर बितर होना, यानी कि भाई तू तितर बितर मत हो, तेरे को राज्यपाल बना देंगे, रुसना। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जा लिया, उपराष्ट्रपति जा लिया, तो तना राज्यपाल का ही मिलेगा, तो तितर बितर ना हो, तो आर्टिकल नंबर 153 के अंदर। अगला देखो क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, इसका जिक्र भारत का संविधान के अंदर मतलब कौन से आर्टिकल के अंदर करेगा बताओ, बताया था अभी अभी, राष्ट्रपति कितनी उम्र के अंदर बनते हैं, 52 साल की उम्र के अंदर, तो आर्टिकल नंबर आपका बी अभी तो बताया था भाई, 52 साल की उम्र, 50 के ऊपर आदमी समझदार हो जाए तो 52 साल की उम्र के अंदर क्या है राष्ट्रपति का पद है बनाया जाता, तो आपका 52 साल की उम्र में भाई डी है सर जी, सर कितने क्वेश्चन हैं और, अरे क्वेश्चन बतेरे हैं निक्कू चौधरी, तुच्छी की जाएगी, क्वेश्चन दो में 120-30% में तो 53 हुए हैं, बहुत है। अगला देखो क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित भाई, अमरजेंसी, आपातकाल का मतलब क्या होता है, अमरजेंसी है, अमरजेंसी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, एक था वित्तीय आपातकाल, एक प्रश्न कौन सा करवाया था, एक प्रश्न करवाया था वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कौन सा होता है, वित्तीय आपातकाल कौन सा है, मात्रा गलत लग गई या वित्तीय आड़ी ठीक कर लिया बड़ी की लग गई, वित्तीय आपातकाल कौन सा होता है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर क्या था, आर्टिकल नंबर 360 ट्रिक क्या करवाई थी, आर्टिकल नंबर 360 ट्रिक करवाई थी, पैसे से कोई भी नहीं देता नाट, पैसे को कोई भी नहीं देता नाट, पैसे को कोई भी नहीं देता नाट, आर्टिकल नंबर 360 नाट का मतलब मना करना, यानी ये वित्तीय आपातकाल से था। अब है कौन सा अनुच्छेद आपातकाल, नॉर्मल अमरजेंसी, नॉर्मल अमरजेंसी में देश में किसी चीज़ की और दिक्कत होगी तो उसकी वजह से है, कौन सी अमरजेंसी के तहत है, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया, 352 शाबाश व शाबाश, जिसका भी 352 आया है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है भाई, बी 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 शाबाश शाबाश, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, आर्टिकल नंबर 352 के तहत क्या आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित आपका कौन सा आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, इसको याद कैसे रखो, सॉरी वित्तीय नहीं, वित्तीय तो आपका 360 था, इसको याद कैसे रखो, नॉर्मल अमरजेंसी 352, आप लोगों ने देखो भाई यार इसी सीधा याद कर लो इसकी कोई ट्रिक को, 352 भाव बस, जैसे कैसे याद रखो, देश के अंदर मान लो, देश के अंदर मान लो आपका प्याज का भाव चढ़ गया, या आप लोगों ने देखो प्याज का भाव चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, या पेट्रोल का, या पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल का अगर भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या है देश के अंदर आपातकाल लग जाता है, यानी अमरजेंसी लग जाती है, 52 से क्या बन गया भाव, 52 से क्या बन गया आपका 352, 52 से क्या बन गया आपका भाव, और देश के अंदर क्या है अगर पेट्रोल और प्याज का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देश के अंदर क्या है आपातकाल लग जाएगा, अमरजेंसी लग जाएगी, यानी आर्टिकल नंबर 352 के अंदर क्या आपका आपातकाल का जिक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक कैदी की नजरबंदी की वैधता के लिए एक चुनौती है, यह प्रश्न देखो, यह मैंने बताए थे ना वो पीछे, सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की रिट जारी करता है, पांच प्रकार की रिट जारी करता है, वो आगे रिट आगे भाई। ठीक है, अगर मान लो किसी भी कैदी को क्या है गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको नजरबंदी के अंदर डाल दिया जाता है, तो भाई उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई, इस बंदी को है मेरे सामने प्रत्यक्ष करके लियाओ, मेरे सामने इसको प्रत्यक्ष मतलब प्रस्तुत करो, पैसे प्रत्यक्ष करो भाई इस बंदी को मेरे सामने। ठीक है, आप इसको ऐसे बंद कैद के अंदर नहीं रख सकते, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिट है जिसके तहत क्या है भाई, वो है भाई एक जो कैदी है, कैदी को मतलब कि अपने सामने कैदी को आप लोग उसके बंदिश के अंदर नहीं रख सकते, परमादेश, परमादेश क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला है, अगर कोई हाई कोर्ट वगैरह अगर कोई फैसला दे दे है, ठीक है, तो उसको है चेंज करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही परमादेश है भाई, परमात्मा का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आदेश भाई, इसका आदेश ही मान्य होगा, किसी की भी आदेश को बदल सकते हैं। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा कौन सा है भाई, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है किसी भी जो डिपार्टमेंट है उससे कुछ भी सवाल जवाब करने का अधिकार है, किसको है सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, निषेध, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले को निषेध कर सकता है, यानी कि इनवैलिड घोषित कर सकता है, उसके ऊपर काटा मार सकता है भाई, कोई भी जैसे छोटा मोटा कोई भी न्यायालय आपका कोई सा भी कोर्ट हो गया उसके फैसले को क्या है वो घोषित कर सकता है भाई, ये अमान्य है। ठीक है,
पांच प्रकार की रिटें जारी करता है, बिल्कुल चार प्रकार की रिटें तो आपको मैंने बता दी। अगला देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। वह राज्य है जो आपको पता है जितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके तहत है। राज्य कितने से कितनी उम्र साल, कितने से कितनी उम्र तक के बच्चों को क्या है, फ्री शिक्षा है प्रदान करने के लिए बाध्य है। भाई इतने से इतने साल के बच्चों को है फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये कौन से आर्टिकल के तहत ये प्रश्न पूछा है ये बताओ भाई। हाय हाय हाय, कट दुखन लागी रहे खड़े खड़े। अभी तो बहुत प्रश्न रह रहे हैं भाई, फास्ट स्पीड करनी पड़ेगी, इन्हों तो पूरे को नहीं हो, नहीं तो मेरी तो रात त्याड़े कटेगी। डी डी डी, 3 से 18 साल का हूँ कहीं तो, 3 से 18 का कोई प्रावधान नहीं है भाई, 6 से 14 साल आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 6 से 14 साल के तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा जो प्रदान करने के लिए राज्य बाध्य होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर इसका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई, ये तो नॉर्मल है, याद रख लियो। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था आप लोगों को पता है, 44वां संविधान संशोधन मैंने बताया था, दो संविधान संशोधन बताए थे, एक तो 42वां 4+2 6 1976 यानी पीछे 6 लाख जाएगा, ठीक है, 44वां 4+4 8 यानी पीछे 8 लाख जाएगा, 1978 पीछे 8 लाख गया, यानी 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 के अंदर हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, पीछे 8 आ जाए 4+4 8, ठीक है। तो जो 44वां संविधान संशोधन आया था इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, मतलब पहले क्या था, पहले ये एक अधिकार होता था कि भाई मान लो माता पिता की संपत्ति है तो उसके ऊपर बच्चे का अधिकार होगा, और बच्चे क्या करया करते, आपके माँ बाबू की घरता बाहर काट दिया करते, जुकरे प्रॉपर्टी आई अथवा माँ बाबू का हमारा लाद चलो भाई बाहर वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, तो इस अधिकार को फिर हटा दिया गया संशोधन के द्वारा, वैसे तो गलत होने लग रहा है समाज के अंदर। तो 1978 44वां संविधान संशोधन आपका बनु कह दिया, 44 44 से चल 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 अब संपत्ति नहीं मिलेगी, माता पिता क्या कहने लग रहे अपने बच्चों को, चल 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 अब संपत्ति नहीं मिलेगी, यानी कि चल से 44 से क्या बन गया, चल चल अब संपत्ति नहीं मिलेगी, निकल यहां से। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, कौन सा है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, अभी अभी तो करवाया है, संघ बनाने का अधिकार, संघ का मतलब कोई भी आपका ग्रुप बनाने का अधिकार है आपको, शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन पहले था ये, ठीक है, किसके तहत ये हटाया गया आपका संविधान नंबर जो आपका 44वां संविधान संशोधन आपका, चल 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 अब तेरे को संपत्ति के अंदर कुछ नहीं मिला, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत है, इसको हटाया गया भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आपका, भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किस टाइप का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, करवाए थे मौलिक अधिकार है, कौन से के अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब आप क्या है 23-24 साल की उम्र में जाओगे तब क्या महिला मित्र बनाओगे पुरुष मित्र बनाओगे, तो आपका आर्टिकल नंबर 23-24 के अंदर किसका जिक्र है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार है मौलिक अधिकारों के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या है, भारत के संविधान में 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सीजीएल 2022 के अंदर आया और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत बार आता है ये, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन यानी संविधान के अंदर जो चेंज कराया गया 61वां से क्या बन गया, 61 से बन गया 21, ठीक है, पहले मतदान की उम्र कितनी होती थी 21 साल की होती थी और उस 21 को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, यानी मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका संविधान का 61वां संविधान संशोधन था। और याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखो भाई, 61 से 21 जो गन्नू चालना है ना तुम तीनों गया करें 61 62 61 62, जो कई जने चालते हो ना तो मैं देखा नो छोरे देखे जाए चश्मे लगा नो और फिर कोई नो टपा ना उड़ता चश्मे पठाई ना 61 62 61 62, ठीक है, तो यानी कि 61 तो 61वां संविधान संशोधन 61 से क्या बन गया 21, तो यानी कि 21 से क्या है उम्र आपकी 18 कर दी गई मतदान की वोट डालने की, तो वो क्या है आपका 61वां संविधान संशोधन। अगला क्या, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम है किस वर्ष पारित कराया भाई, विकलांग अधिनियम में बताओ भाई, हो बताओ रे, कड़े टूट गई जमा बुंडी डाला, देखो भाई 100 क्वेश्चन हो गए क्या सर, अरे 100 नहीं हुए अभी तो 61 वर्षन हुए 61वां है वो, तो भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम है किस वर्ष पारित किया, तो विकलांग अधिनियम आपकी
1992, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1992। इसको कैसे याद रखो भाई, विकलांग, ओ सॉरी 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 1992 नहीं 1995 आएगा ये, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, 1995 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे, 1995 के अंदर आपको विकलांग अधिनियम, विकलांगों के लिए भी क्या है सरकार ने क्या है अलग से प्रावधान किए, भाई विकलांग लोगों को भी स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। तो जो विकलांग अधिनियम है वो आपका कब पारित किया गया था, 1995 के अंदर विकलांग अधिनियम को पारित किया गया था। इसको याद कैसे रखोगे आप लोग भाई, विकलांग अधिनियम कब पारित किया गया 1995 के अंदर, इसको याद कैसे रखोगे भाई, विकलांग लोग क्या कहने लग रहे हैं आप, जैसे भाई विकलांग जो व्यक्ति, विकलांग मतलब क्या, जैसे किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी भी तरीके से अपाहिज है, ठीक है, विकलांग व्यक्ति क्या कहने लगे, 95, 95 से क्या बन गया, 95, 1995, 95 से क्या बन गया आपका, 95 से बन गया पहचान वे, यानी कि अब विकलांग लोगों को भी क्या है 1995 के अंदर क्या है भाई, विकलांग अधिनियम के तहत उनको भी एक पहचान मिल गई, ठीक है। तो वो क्या कहने लग रहे हैं विकलांग अधिनियम वाले भाई, अब पहचान बे 1995 क्या कहने लग रहे हैं, पहचान बे हमें भी अब है क्या मिल गई है, पहचान मिल गई है 1995 से, पहचान बे विकलांगों को भी पहचान मिल गई। तो विकलांग अधिनियम के तहत आपकी 1995 के अंदर इनको पहचान मिली है। अगला प्रश्न क्या है, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, 71वां संविधान संशोधन आपका 1992, ओ सॉरी 71वां नहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत है, पंचायतों को क्या है संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, 73 से क्या बन गया, 73 से आपके बन गया 73 से क्या बन गया आपका 73। और 73 कहां पर मिलते हैं, गांव के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर, शाम को जब शाम हो जाती है गांव के अंदर तितर उड़ते मिलते, तितर एक तरीके का पक्षी होता है करता जाया करो, ठीक है। तो जो तित्तर नाम का जो पक्षी होता है वो कहां पर मिलता है, आपके गांव के अंदर मिलता है, शाम को ऐसे खेतों के अंदर जो खत्ती होती है ना वहां पर खिदुआ के रूप में मिलते हैं। तो यानी कि 73 से क्या बन गया तित्तर, ठीक है, यानी तित्तर आपके कहां पर मिले, गांव के अंदर। तो गांव का पंचायत, पंचायत कहां पर होती है आपके गांव के अंदर ही तो होती है। तो जो पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है आपका पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। अब मान लो 73 यानी कि भाई पहले साल तो आपका क्या नाम है पंचायतों को मिला संवैधानिक दर्जा, अगले ही साल 74 के अंदर किसको मिला आपके शहरों को, नगर निगमों को मिला, किस संविधान संशोधन के तहत है, नगर पालिका किसके अंदर होती है आपकी, शहर के अंदर होती है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत है, नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका को है परिभाषित किया गया है। तो आपका क्या है 74वां संविधान संशोधन 1992, 73 में तित्तर उड़े, ठीक है। और तित्तरों ने क्या है, तित्तर कहां पर होते हैं, शाम को गांव के अंदर होते हैं। और अगले ही साल क्या है 74वां, मतलब 73 गांव के अंदर, जैसे पहले साल पंचायत हुई 73वां के तहत पंचायत अधिनियम आया, और 74वां यानी अगले ही साल क्या है आपका शहर वाला है, नगर निगम वाला है। तो यानी नगर निगम कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992 ऐसे CMTS के अंदर आया 1908-2019 को भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया, पहले गोवा एक राज्य नहीं था अपने देश का, ठीक है, कौन से संशोधन अधिनियम तहत है गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब एक नई यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बनाई गई दमन और दीव को मिलाकर, मतलब कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत गोवा को तो राज्य बनाया और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो आपका 56वां ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 56वां संविधान संशोधन, याद कैसे रखोगे, 56 से क्या हो गया आपका छपना से क्या हो गया छपना भाई, इस संविधान संशोधन के तहत 56वां संविधान संशोधन के तहत आपका जो गोवा, और गोवा है वो तो भारत के जो मतलब कि नक्शा उसके अंदर है, मतलब कि राज्य के रूप में छप गया, छपना से 56वां छप गया, ठीक है। और जो दमन और दीव है वो क्या आपके एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में नक्शे के ऊपर छप गए, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों चीज़ हैं, ये भारत के संविधान है और जो भारत का क्या नाम नक्शा उसके ऊपर छप गए, 56वां संविधान संशोधन के तहत है ये चीज़ें हुई भाई। अगला देखो, अगला क्या है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के सौम्य संशोधन को स्वीकृति दी, कौन सा राष्ट्रपति था जिसने भारत के 100वां जो संविधान संशोधन होया था उसको स्वीकृति दी, इसको कैसे याद रखोगे, प्रणब मुखर्जी आएगा, ऑप्शन नंबर एक रखा, जो प्रश्न आया हुआ ये CGL के अंदर, ये प्रश्न आया इसीलिए मैं लेके आया हूं, कभी इसने हल्का मना ले लियो CGL 2023 के अंदर, कभी ऐसे समझो भाई, कौन सा जो 100वां जो संविधान संशोधन आया था उसको मंजूरी किसने दी थी, जो उस टाइम राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इसको कैसे याद रखोगे, जब आदमी क्या है, जब आदमी आपका 100 साल का हो जाता है, जब भी आदमी आपका 100 साल का हो जाता है तो क्या उसको मृत्यु प्रकोप प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, मरे हुए कि क्या है जो
चिता होती है उसको क्या है, मुख से, मुख से क्या होगा आपको मुखाग्नि दी जाती है, ठीक है, मरे हुए की चिता को क्या है मुखाग्नि दी जाती है, तो यानी कि प्रणब मुखर्जी, मुखर्जी से क्या हो गया मुख से मुखाग्नि, ठीक है, और सोमा, सोमा संविधान संशोधन, यानी कि बस 100 की उम्र में आदमी मर जाए है और मृत्यु क्या उसको मुखाग्नि दी जाती है, यानी प्रणब मुखर्जी के द्वारा क्या सोमवें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू, 44वां 4+4 8 1978 के अंदर अभी करवाया था, कौन सा था 44वां, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, सीएचएसएल 2020 के अंदर भी आया है। अगला देखो, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, यही प्रश्नों को मतलब कि दोबारा से मतलब कि अलग अलग टाइप से पेपर के अंदर आए हुए, जीएसटी बताओ भाई, जीएसटी, जीएसटी बताया था, जीएसटी बताया था, संविधान संशोधन कौन सा था, मैं ब्याह शादिया के अंदर जाओ हो तो उधर आप लोगों ने देखे होंगे जो वहाँ पर वो जो मतलब कि आप देखो किसी भी अगर शादी के अंदर जाते हो तो आप जब कन्यादान देते हो कन्यादान आते जन जन सूखा खा के आवाएं तो वहाँ पर जो कन्यादान जो लिखते हैं ना वो कौन होते हैं, वो आपके जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, टैक्स लेते हैं भाई शादी के अंदर, कुछ भी खाना खाना, गोलगप्पे खाने हैं, दही भल्ले खाने, कुछ भी खाने हैं तो पहले आपको यहाँ पर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा, यानी 101, आप लोग शादी के अंदर जाते हो तो कितने रुपये कन्यादान देते हो, 101 रुपये का देते हो, यानी 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या आपका जीएसटी है वो लागू किया गया था। अगला देखो क्या है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ है, पहला संशोधन आप लोगों ने देखो, फर्स्ट का मतलब वन यानी 1991 भारत जैसे 1947 के अंदर स्वतंत्र होया, 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र होया, और स्वतंत्र होने के बाद क्या है आपका, बस स्वतंत्र होने के बाद बोले कुछ ना कुछ चेंज करना है तो क्या है भाई एक नंबर का शुरुआत करें, यानी कि 1951 के अंदर भारत के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ आपका, 1900 कब होया, 51 के अंदर भारत के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था भाई, ठीक है। ये नु बोले भाई कोई भी नया बदलाव करना है कुछ भी करना है तो बस नया साल तो शुरुआत कराएं भाई, 51 वाली श्रेणी तो शुरुआत कराएं, ये बीच में कौन करा। अगला देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है, भारत के संविधान की जो छठी अनुसूची है उसके अंदर कौन सा राज्य शामिल है, छठी अनुसूची के अंदर किस चीज का जिक्र है, यह चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। देखो भाई, भारत की जो छठी अनुसूची है ना उसके अंदर आपके चार राज्य शामिल हैं, ठीक है, और इन चार राज्यों के अंदर क्या है भाई आपका, जैसे मान लो जो भी इनके अंदर जो आदिवासी जनजाति है ना भाई उनको है उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ भारत सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी, इस चीज़ का जिक्र भारत की छठी अनुसूची के अंदर है। सातवीं के अंदर किसका जिक्र है, सातवीं के अंदर किस चीज़ का जिक्र आपका, जितने भी जो तीन प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसका जिक्र किसके अंदर आपकी, सातवीं के अंदर। आठवीं के अंदर संविधान के अंदर जो 22 टाइप की जो भाषाएं हैं उनका जिक्र है। दसवीं के अंदर दल बदल, और ग्यारहवीं के अंदर ग्यारहवीं करने के लिए गाँव शहर में जाओगे, यानी गांव यानी कि पंचायतों का जिक्र, और 12वीं के अंदर आपका नगर निगम का जिक्र है, ठीक है। तो संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है, तो देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मिजोरम आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम है वो आपका संविधान की छठी अनुसूची के अंदर कौन सा राज्य शामिल आपका। सर वजह होगो के तारो, देखो भाई इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे रखो आप लोग भाई, मेघ आ जाओ, मेघ आ जाओ, आ जाओ, तीन बज गए हैं मज़ा आएगा। आप लोगों ने देखा 3 बजे के आसपास अक्सर बादल आ जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, यानी देखो कैसे याद रखो भाई, मेघ से क्या बने आपका मेघालय, मेघ आ जाओ, आ से क्या बने आपका असम, आ जाओ, ठीक है, 3 बज गए, 3 से आपका त्रिपुरा, ठीक है, और मज़ा से क्या हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। ये तीन चारों के चारों राज्य आपको याद रखने छठी अनुसूची के अंदर। पेपर के अंदर क्या प्रश्न आएगा भाई, इनके अंदर से कौन सा राज्य है भारत की छठी अनुसूची के तहत शामिल है, और या फिर आएगा भाई इनके अंदर से कौन सा नहीं है शामिल, ठीक है। जैसे मान लो इन तीनों राज्य के नाम दे देगा, ठीक है, अरे एक अलग दे देगा, ठीक है भाई, मान लो मिजोरम की जगह कुछ और दे देगा, तो ये भी आओगा, ठीक है, ये 100% आएगा ये प्रश्न। तो इसको याद कैसे रखो ये भाई कि मेघ आ जाओ 3 बज गए हैं मज़ा आएगा,
आएगा भाई, मेघ आ जाओ, 3 बज गए, मजा आएगा। मेघ से आपका मेघालय, आ से आपका असम, 3 से त्रिपुरा और मैं से मजा से मिजोरम। ठीक है भाई, मिजोरम है ये आपका इस छठी अनुसूची के तहत शामिल है भाई। अगला देखो, अगला क्या आपका 70वां प्रश्न आज की क्लास का, 1978 में संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को, देखो वही प्रश्न फिर रिपीट है, सीएचएसएल के अंदर भी दोबारा से आया, 1978 के अंदर कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां याद कैसे रखोगे, 4 + 4 = 8। 1972 का अगर, सॉरी 1976 का अगर जिक्र होता तो 4 + 2 = 6, यानी कि आपका 42वां जानता भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से इनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया। भाई मतलब कि एक संविधान संशोधन आया था जिसके तहत क्या है, वह भाषाओं के आधार पर जो भारत के जो राज्य हैं उनका गठन किया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था भाई जिसके तहत है भाषाओं के आधार पर है राजाओं, मतलब कि क्या नाम है, राज्यों का गठन किया गया था। इसको कैसे याद रखो भाई, 7वां जो संशोधन था, 7वां संशोधन है इसके तहत भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन कैसे था भाई। जैसे मैं मान लो जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, तो भाई जैसे पंजाब राज्य है वो अलग से उस राज्य बनाया जाएगा भाई, उसके तहत उसके अंदर क्या सारी की सारी पंजाबी बोली जाएगी। ठीक है, तो मतलब भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है इस प्रकार की प्रक्रिया है कौन से संविधान संशोधन के तहत शुरू करी गई। तो 7वां जो संविधान संशोधन था याद कैसे रखोगे कि आप लोगों को पता है, 8वीं अनुसूची के अंदर क्या था, अभी अभी मैंने बताया था, 8वीं अनुसूची के अंदर संविधान के 22 भाषाओं का जिक्र है, अपने देश के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनका जिक्र कौन सी अनुसूची के अंदर आपका 7वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, और 8 से पहले एक 7वीं के अंदर क्या है, 7वीं के अंदर यह संशोधन किया गया है, हर एक राज्य की है अलग अलग भाषा हो सकती है, भाषा के आधार पर आप लोग राज्य का गठन कर सकते हो, यानी 7 के बाद 8 आएगा, 8वीं के अंदर 22 भाषाएं, या फिर 8 से पहले जो 7वां आएगा 7वें संशोधन के तहत क्या है यह सिस्टम होगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान में है किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभुत समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता के अंदर बदल दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीजीएल के अंदर आए, कई बच्चा का तो प्रश्न है कौन समझ में आया क्या है, देखो इसको समझाता हूं, ये प्रश्न है क्या, भारत के जो जैसे संविधान के अंदर जो जिक्र है ना, संविधान के अंदर भारत के बारे में लिख रखा है, संविधान है, संविधान के अंदर भारत के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके अंदर जब उस टाइम संविधान बनाया था उस टाइम क्या जिक्र था भाई, उस टाइम भारत को क्या कहा था भाई कि भारत एक संप्रभु, संप्रभु का मतलब हो गया भाई इंडिपेंडेंट देश है वो। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, और लोकतांत्रिक देश है भाई, यहां पर इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव। ठीक है भाई, इतना ही लिख रखा था भारत के बारे में, जो जिस टाइम भारत का संविधान बनाया था उस टाइम भारत के बारे में क्या लिख रखा था उस बुक के अंदर, जो संविधान की जो बुक है, कानून की जो बुक, उसके अंदर क्या लिख रखा था, भारत एक तो आपका इंडिपेंडेंट है, संप्रभु का मतलब किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट, लोकतांत्रिक का मतलब यहाँ पर इलेक्शन से चुनाव होते, सिर्फ इतना ही लिखा था। लेकिन फिर क्या है, फिर हमने कहा भाई इतनी चीज से काम नहीं चला, हम और भी बदलाव करें, फिर हमने क्या है उसको बदल के क्या कर दिया भाई, संप्रभु ये तो हमने मान्य ही माना, साथ में क्या भाई समाजवादी भी माने भाई, यहाँ पर अलग अलग टाइप का समाज भी है। ठीक है भाई, हमने भारत को किस चीज से डिफाइन करा भाई, ये संप्रभु तो है ही है, इंडिपेंडेंट तो है, साथ में यहां पर समाज भी है, ये धर्म निरपेक्ष भी है भाई, भारत के अंदर कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, ये चीज भी इसके अंदर, साथ में लोकतांत्रिक भी है, लोकतांत्रिक तो पहले भी था, लोकतांत्रिक भी है ये। ठीक है, और इसके मतलब दो नए शब्द जोड़े गए, कौन से, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। प्रश्न आता है भाई कौन से संविधान संशोधन के तहत है ये दो जोड़ से दो शब्द जोड़े गए, सर जी आपने भर रखा है कि दिल्ली पुलिस का ना भाई, मामतार लाग रहे हैं, हमने की जरूरत है दिल्ली पुलिस का बन का, काम करो तैयारी। देखो भाई, तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन, आप लोगों को पता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1946 के अंदर, और इसको सॉरी 1976 के अंदर, 1976 के अंदर इसको क्या भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको क्या है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, किसको आपका 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, भारत का लघु संविधान, यानी लघु का मतलब क्या हो गया छोटा, समोल, भारत का छोटा संविधान है यो, क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंज करे गए थे भारतीय संविधान के अंदर, और वो एक चेंज क्या था भाई, प्रश्न आता है भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1976 में आया था भाई, भारतीय गणराज्य जो भारत जो देश है उसके बारे में कौन से दो नए शब्द जोड़े गए थे, तो कौन से दो नए शब्द जोड़े थे, एक तो समाजवादी और एक धर्म निरपेक्ष, ये दो नए शब्द जोड़े गए थे, ये प्रश्न भी आता है, तो पट जाना इसको भी। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, भारत के संविधान 10वीं अनुसूची द से दस और द से दल बदल, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, और दल बदल अनुसूची है ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत दल बदल वाली अनुसूची जोड़ी गई, आपका 52वां, इसको कैसे याद रखो, 52 से क्या होगा बहाना, बहाना नु कौन कहते, मन तो या छोरी बाएगी,
भागी का मतलब पसंद आएगी भाई, ठीक है भाई, मन तो छोरा भाग गया भाई, मन तो छोरा पसंद आ गया, मन तो छोरी पसंद आ गया, यानी कि बहाना यानी बावन भाई, इसके तहत क्या दल बदल का मतलब क्या है, जैसे पार्टी बदल को लेंदी भाई, मान लो इस पार्टी का तो मैं मान लो भाजपा था उठ के मैं मंत्री बन गया, फिर मैं लेना मतलब कांग्रेस में जाऊँगा, मतलब वोट तो मैं भाजपा की तरफ था ले गया, फिर मैं कांग्रेस में चल गया, तो दल बदल है भाई, ये गलत चीज़ है, ये आपकी दसवीं अनुसूची के अंदर है, दैसे दल दैसे दसवीं दैसे दल बदल, ठीक है। और इसको कैसे याद रखो भाई, बावनवा संविधान संशोधन था, याद कैसे रखो वैसे बाणा, बावनों का मतलब बाणा, ठीक है भाई, मन तो भैया वाली पार्टी बाएगी तो मैं इसमें चले गया भाई, मैंने दल बदल लिया, फिर मुझे ये वाली पार्टी बागी, बागी का मतलब पसंद आ गया, फिर मैंने ये वाली पार्टी छोड़ के फिर मैं उसके अंदर चले आ गया, यानी कि मैं ऐसे ऐसे दल है पार्टी है बदलता गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो अगला क्या है, 30 जून 2023 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया भाई, अभी तक 30 जून 2023 तक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है उसको कितनी बार चेंज कराया गया, प्रस्तावना को सिर्फ एक ही बार चेंज कराया गया, ऑप्शन नंबर एक, एक ही बार, कौन सी थी जो आपका अभी अभी करवाया था, 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 4+2=6 1976 के अंदर हुआ, और इसके तहत क्या है प्रस्तावना के अंदर कौन से दो नए शब्द ऐड करे गए थे, एक तो भारत क्या है, एक तो भारत समाजवादी देश है, ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में आपका धर्म निरपेक्ष भी है, साथ में आपका धर्म निरपेक्ष भी है, यहाँ पर धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होता, यानी ये दो, ये जो दो नए शब्द आपके धर्म निरपेक्ष और समाजवादी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड करे गए, और इससे क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर क्या चेंज आया है, पहले क्या था, पहले भारत क्या था, सिर्फ एक संप्रभु यानी इंडिपेंडेंट और एक लोकतांत्रिक देश था, उसके बाद ये दो नए चीज़ें पहले मतलब एक ही बार ये चेंज कराया गया भारत की प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब भारत को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 21A को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत है लाया गया था भाई, 21 और 21A दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 21 है वो तो मैंने आपको बताया था भाई, ये तो क्या आपका प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार है, इसकी ट्रिक भी बताइए, आर्टिकल 21 का मतलब क्या हो गया, एक किस, ठीक है भाई, अरे एक किस कहाँ पर मिलेगी आपको, हमेशा प्राइवेसी के अंदर मिलेगी, ठीक है भाई। 21A क्या आपका शिक्षा का अधिकार है, 21A क्या आपका शिक्षा का अधिकार, और जो शिक्षा का अधिकार है ये आपका कौन से संविधान संशोधन के तहत है आपका ऐड कराया गया था, जो शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 21A, ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड कराया था, शाबाश शाबाश, जिसका भी 86 आपका पिल का सही है, 86 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 86, इसको याद कैसे रखो, 86 के अंदर क्या आएगा आपका 6, 86 के अंदर 6, ठीक है, 6 से क्या बनेगा आपका शिक्षा, 6 से क्या बनेगा आपका शिक्षा, यानी कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A, अगर आपका नॉर्मल 21 आ जाए तो आपका प्राइवेसी है, ठीक है, और 21 का अगर ए आ जाए तो यानी कि क्या आपका शिक्षा, इसको कैसे कैसे करो भाई, 21A, ठीक है भाई, 21 की मतलब यानी देखो भाई 21 प्राइवेसी में मिलेगी, ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चे यानी 21A भाई आप लोग क्या है, किस वगैरह को छोड़ो, प्राइवेसी 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 है भाई, 21 साल की बेतारी उम्र है, किस वगैरह छोड़ो, ए का मतलब आपके लिए प्राथमिकता किस चीज़ की होनी चाहिए, पढ़ाई की होनी चाहिए, यानी आप लोगों को शिक्षा का अधिकार चाहिए। 86वां संविधान संशोधन है आपका, कैसे याद रखोगे, 86 में 6 से क्या बनेगा, शिक्षा का अधिकार। अगला देखो अगला क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, राष्ट्रपति का जो पद है पद के बारे में कौन सा बताता है भाई, 50 के बाद 52 साल की उम्र में आदमी शाणा हो जाता है तो उस टाइम उसको राष्ट्रपति के पद पर बिठाया जाता है, तो यानी आर्टिकल नंबर 52 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया, भारत के अंदर राष्ट्रपति होगा, अब क्या भाई कौन सा आर्टिकल है उसके चुनाव के बारे में बताता है, राष्ट्रपति का चुनाव आपका कैसे होगा, कौन करेगा, क्या सिस्टम है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, ये प्रश्न पूछेगा, ये बताओ भाई, 54 इतना तो कोई में से कोई नहीं, अभी नहीं हुए भाई 100%, शाबाश भाई शाबाश, जिसका भी 54 है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 54 के तहत है राष्ट्रपति का चुनाव, या याद कैसे रखोगे, 54 से क्या बनेगा, 54 से चुनाव, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 54 से चुनना, यानी आर्टिकल नंबर 54 के तहत क्या आपका राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कब जिक्र है आपका, आर्टिकल नंबर 54, निक्की चौधरी ने कहा सर बाकी क्लास कल दिन में ले लेना, अरे दिन के अंदर को नहीं हुआ है, सारे आज लिपटा के चल लाएंगे
सारे 20% रह रहे हैं, टेंशन ना लो, सारे 20 हो रहे हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? जिस टाइम भारत का संविधान बनाया था उस टाइम भारत के संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे? उस टाइम भारत के संविधान के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद थे। ये प्रश्न आता बहुत बार, जिस टाइम भारत का संविधान बनाया था उस टाइम भारत के संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे? उस टाइम है भारत के संविधान के अंदर टोटल आपके 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में पूछ ले, अगर वर्तमान में पूछ ले तो कितने अनुच्छेद है? वर्तमान में टोटल आपके 448 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। जिस टाइम बनाया था 395 थे और वर्तमान में कितने हैं? 448 हैं। अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ये जो 6 मौलिक अधिकार तार्थी मिल रहे हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत है भाई आपको स्वतंत्रता, मतलब कि 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता देता, कौन सा आर्टिकल है? स्वतंत्रता किस उम्र में मिलती है? 18 से 22 साल की उम्र में व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, यानी 18 से 22 के बीच में, उन्नीस से 22 साल की उम्र में, यानी 19 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तो कौन से 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता कब है? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर इसका जिक्र है, करवाया है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? 17वीं जो लोकसभा, इसमें संसद की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऐसे CMTS 2021 के अंदर है, जो 17वीं जो लोकसभा है इसके अंदर टोटल जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है? ये प्रश्न पूछा गया है भाई, बताओ भाई, 17वीं लोकसभा के अंदर है आपकी महिलाओं की संख्या कितनी है ये बताओ। अरे आज तो बेटा हम ड्यूटी पे हो, आज तारी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, आज होता हम जितने भी कांस्टेबल होता हम दिल्ली पुलिस वाले हो, आज तारी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है। देखो इसको कैसे याद रखो, अब देखो मजा आएगा तुम्हें थोड़ा क्लास के अंदर। 78 भाई, जो अपनी जो 17वीं जो लोकसभा है इसके अंदर टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 78। इसको याद कैसे रखो भाई, 78 इसको याद कैसे रखोगे? 78 लक 28 लक 28 और लक 28 किसका होया? अगर लक का मतलब कि इस कमरती कहाँ है? कमर भाई 28 की कमर, ठीक है, 28 की कमर किसके? अगर गाना सुना हुआ लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, तो लक 28 किसका हुआ है? महिलाओं का होता है, महिलाओं की बात है, संसद में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 78 का उल्टा क्या बन गया? 28, यानी लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, कुड़ी का मतलब महिला, ठीक है। तो महिलाओं का लक है 28, यानी कि 78, तो आपका 78 है, 78 महिलाएं हैं 17वीं लोकसभा के अंदर में। अगला देखो, अगला क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मान लो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो एड होता है, वो भी मान लो छुट्टी पर है, ठीक है, और जो उपाध्यक्ष जो डिप्टी एड है वो भी मान लो छुट्टी पर है, तो कौन है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, मतलब कि मान लो लोकसभा और जो राज्यसभा है उनकी जो एक कॉमन बैठक होगी उसकी अध्यक्षता है कौन करेगा? ये प्रश्न पूछा है, बताओ भाई, उसकी अध्यक्षता है कौन करेगा? कुछ दिल्ली पुलिस में आ जावे वो कराओ, बात जड़ ना आगे समझ में। ये देख, ये दिक्कत है, 14 पोरी का लट्ठी, समझ, 14 पोरी हैं, 14 एक पोरी, दो पोरी, तीन पोरी, चार, पांच, छह, आड़ आएगी फालतू की बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है। और ये आड़ कहेगा चल रहा है, अरे तेरे फेरे चल रहे हैं, कुछ दिल्ली पुलिस में आया ऐसा कराओ, या एक पोरी कम हो जाएगी बिना बात ना मजबूर करा करो मृतिकी में कहने खातर, या 14 मतलब 13 रह जाएंगी, फिर नुगवा मेरे के लिए के होया आगे समझ, ध्यान दे ले पढ़ाई पर। तो राज्यसभा के उपसभापति ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर है संसद के जो दोनों सदनों की जो कॉमन जो बैठक होती है उसको कौन लेता है? आपका राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना वो लेता है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति। अरे ये तो 9:37 हो, ये रोन लग रहे होता। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद, मैं सोचा टूट बज गए, कौन से राज्य के अंदर विधान परिषद है? विधान परिषद आपके कौन से राज्य के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर आपकी विधान परिषद है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी विधान परिषद है। भारत के अंदर मात्र 6 राज्यों के अंदर, भारत के अंदर आपके जो मात्र जो 6 राज्य हैं, 6 राज्यों के अंदर की आपकी विधान परिषद है। उन 6 के 6 राज्यों के आपको नाम भी याद रखने, उन 6 के 6 राज्यों के नाम भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। देखो ट्रिक क्या है, महान उत्तर राजा अंधेपन में अपने कानों
के तेल लगा के बिर बिर करते थे, बिर बिर करते थे। ये ट्रिक है, ये 6 के 6 जो आपकी विधान परिषद है, विधान परिषद भारतवर्ष की, सिर्फ भारतवर्ष के सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है आपकी विधान परिषद है। विधान परिषद कहाँ पर आपकी, भारतवर्ष की सिर्फ जो 6 राज्य है, 6 राज्यों के अंदर क्या है विधान परिषद है भाई आपकी, बाकी कहीं पर अभी आपकी विधान परिषद नहीं है। कैसे याद रखो आप लोग, देखो भाई देखो, महान से क्या बन गया, महान से बन गया आपका महाराष्ट्र। एक तो महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद है, पेपर के अंदर प्रश्न आता है जैसे ये आ रहा है किस राज्य के अंदर विधान परिषद है भाई, मान लो आप उत्तर प्रदेश दे रखा, क्या पता उत्तर प्रदेश की जगह महाराष्ट्र दे देता लिख के, ठीक है, तो भी आपको याद रखना। उत्तर से क्या बन गया, उत्तर से बन गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अंधेपन से क्या बन गया, अंधेपन से आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अंधेपन बन गया। कान से क्या बन गया आपका, कान से कर्नाटक बन गया, कान से क्या बन गया आपका कर्नाटक बन गया, ठीक है। तेल से क्या बन गया, तेल से आपका तेलंगाना बन गया, तेल से क्या बन गया तेलंगाना बन गया। और बीर से क्या बन गया आपका बिहार बन गया, बीर से क्या बन गया आपका बिहार बन गया। तो ये जो 6 राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, इनके अंदर क्या आपकी विधान परिषद है, बाकी और किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे ये पूछ ले उसी टाइप से पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र है, क्या है MTS 1810 के अंदर पेपर आया, प्रश्न आया। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं, कार्यपालिका कौन सी होती है, कार्यपालिका जो भी भारत के प्रधानमंत्री है भाई, कार्य करते हैं, राष्ट्रपति ये भी कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद ये भी कार्य करते हैं, लेकिन भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कार्य थोड़े ना करता, तो न्याय करता है। ये क्या आपका, ये आपकी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट क्या आपकी, सुप्रीम कोर्ट आपकी न्यायपालिका है, कोर्ट का काम क्या है न्याय करना, न्यायपालिका से संबंधित होता है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, वो आपका किस चीज का हिस्सा है, न्यायपालिका है भाई। गुरुजी और फाइटर जाट ने घर शराब पढ़ाते जाओ, हम पढ़ रहे हैं, शाबाश शाबाश, ऐसे बच्चों को जरूरत है मुझे। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा किस वर्ष पहली बार पारित किए गए थे। जो विपक्ष पहले जो वेतन और भत्ते मिलते थे ना, जो भी मतलब कि तनख्वाह मिलती थी, ठीक है, जितने भी क्या होते थे नेता होते थे, ठीक है, सिर्फ जो मतलब जो सी पार्टी सरकार के अंदर सिर्फ उन्हीं को मिलते थे, जो भी मतलब तनख्वाह वगैरह मिलती थी या जो भी भत्ते मिलते थे, मान लो इसकी गाड़ी का तेल भी सरकार देगी या नो देगी, वो सारे पहले क्या है सिर्फ जो पार्टी शासन में होती थी सिर्फ उसको मिलते थे, ठीक है। लेकिन क्या है 1977 के अंदर, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, 1977 के अंदर क्या है ऐसा जो संशोधन पारित किया गया जिसके तहत क्या है, जो विपक्ष के जो नेता है, मान लो अब जैसे सत्ता पक्ष के अंदर कौन है, भाजपा है, विपक्ष के अंदर कांग्रेस है, तो कांग्रेस के भी जो नेता होंगे ना, जो ऐड होंगे विपक्ष के जो नेता, उनको भी सरकारी सुख सुविधाएं मिलेगी, यानी 1977 के अंदर ये अधिनियम पारित किया गया, जिसको याद कैसे रखोगे, 77 से क्या बन गया 5-7, मैंने कौन कहते दे दे यार विपक्ष वाले 5-5, 7-7 रुपये, ठीक है, दे दे यार विपक्ष वाले दे भी 5-5, 7-7 रुपये दे दो, 7-7 से क्या बन गया 77, यानी 1977 के अंदर ये आपका ले आया गया कि भाई विपक्ष को भी है भत्ते सारा सिस्टम है मिलेगा आपका, ठीक है। 1972 बताओ ये, रवीना कुमारी गलत है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद के जो दोनों सदन होंगे उनकी जो कॉमन बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी, वह मान लो जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर उनकी क्या है कॉमन बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, पेपर के अंदर प्रश्न आता है ओम बिरला, ओम बिरला है वो क्या है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, तो ये क्या है दोनों सदनों की आपकी जो कॉमन बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी क्या अध्यक्षता करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो क्या, लोकसभा का अपना इस्तीफा किसको सौंप सकता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा किसको सौंपे, मान लो लोकसभा का जो अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी, वो ऐसे कहने लग जाए मैं तो अपना इस्तीफा दूंगा, ठीक है, तो इस्तीफा अपना किसको देंगे, वो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। बच्चे इस प्रश्न के अंदर गलती कह रहा है, उन्होंने सोचा भाई इस्तीफा की बात होने लगी, तो उन्होंने सोचा भाई लोकसभा का अध्यक्ष है इस्तीफा तो राष्ट्रपति देगा, ऐसा नहीं है, आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष है जो डिप्टी उसकी देगा MTS 2021 के अंदर आया। अगला क्या, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, वो भारत में है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसे जो आपके जगदीप धनखड़ वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं भाई, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर मेनली कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया। मनोनीत का मतलब क्या है, जैसे मान लो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के अंदर बाकी सदस्य तो लोगों के द्वारा इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से किन्हीं भी 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बना सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। इसको याद कैसे रखोगे, ए ए ए शाबाश, मज़ा आ गया सर जी आज। अरे मज़ा तो आएगा, अभी तो चलने लग रही क्लास है। राष्ट्रपति जी क्या बोले इन 12 सदस्यों को कि बाहर आ जाओ, ठीक है, याद कैसे रखो बाहर आ जाओ। राष्ट्रपति जी क्या बोले, भैया भैया ये जो 12 सदस्य हैं ये सारे के सारे के है, बाहर आ जाओ, प्रत्यर्थी मैं मनोनीत करूँगा, तो हमने इलेक्शन की जरूरत को नहीं भाई। रूबी शर्मा ने सर यू आर द बेस्ट टीचर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस की क्लास देख रहे हैं। 12 के 12 बाहर आ जाओ, शाबाश। अगला देखो, अगला क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि भारत का नागरिक न हो, ठीक है भाई। कौन से आर्टिकल के तहत है ये नियम है कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो भारत के जो संसद है संसद का सदस्य तभी बन सकता है जब वो भारत का सदस्य हो, अगर वो भारत का सदस्य नहीं है तो भारत की संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तो कौन से आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र है, आर्टिकल नंबर 84 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 84। इसको याद कैसे रखोगे, 84 से क्या हो गया भाई, 84 से चोर, ठीक है, चोर आदमी है, चोर आदमी को थोड़ी ना संसद का सदस्य बना देंगे। चोर कौन हो गया भाई, जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं, जो भारत के बाहर का व्यक्ति है, अगर वो भारत के अंदर घुसेगा तो चोर आदमी हो गया। मान लो तुम्हारे घर का अगर कोई व्यक्ति नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में घुस जाए जिसके पास तुम्हारे घर की नागरिकता नहीं है तो वो चोरी माना जाएगा, ठीक है, बिन पूछे पूछे। तो यानी 84 से चोर आदमी कभी भी भारत की संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न देखो क्या, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की, महाभियोग कौन से आर्टिकल के अंदर जिक्र है आपका, मैंने बताया था 52 की उम्र में राष्ट्रपति बनता है और रिटायर कब होगा, 61 की उम्र में रिटायर होगा, यानी 61 की उम्र के अंदर महाभियोग यानी उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर शुरू की जा सकती है, जो भारत का राष्ट्रपति है उसका अगर महाभियोग करना पड़े है, सर जी लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, दीपेश कुमार आ रहा, कोई बात ना। तो संसद जो महाभियोग है आपका राष्ट्रपति का, वो संसद के किसी भी सदन के अंदर, संसद का जो कोई सा सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, आज लाइब्रेरी वाला भी कह दो खोल दे रहे, मेरी बात करवा दो लाइब्रेरी वाला के 15-20 मिनट की और बात से भाई खोल दे, क्यों बंद करवावा है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के अंदर आपका के है महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, 100% तो दो 90 हो गए, 10% हो रहे हैं, 100 तो करवाने दो, बाकी यान छोड़ देंगे। भारत में किस वर्ष 2 सदनों वाली प्रथम निर्वाचित संसद है अस्तित्व में आई, प्रथम जो पहली बार जो 2 सदनों वाली संसद है वो भारत के अंदर कब आई थी, ये प्रश्न पूछा गया है, किया गया है कि मैं नहीं आया। देखो भाई, तो 1952 के अंदर है भारत के अंदर पहली बार किसका आया है, सही, बी 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 बी, सृष्टि का बी है। सर क्लास कब से स्टार्ट होती है, अरे क्लास का टाइम तो मतलब कि वैसे तो डेली 8:30 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन आज ये करवानी थी ना सारी पॉलिटी रिवीजन, तो इसलिए आज 7:30 बजे कर दी। तो 1952, इसको याद किया सर, 52 के अंदर क्या गया, दो का मतलब हो गया दो भाई, ठीक है, दो भाई, और दो भाइयों को क्या है, एक चीज़ कभी भी नहीं बांटती, ठीक है, 52 का मतलब दो भाई, ठीक है, 52 दो भाई, तो यानी कि दो भाइयों के अंदर जैसे दो सदन थे, दो भाई दो सदन, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा बाकी जो दो सदन थे, ठीक है, ये कब निर्वाचित संसद पहली बार कब अस्तित्व में आई आपकी, 1952 के अंदर है आपकी आई थी भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने भाई, इसके अंदर से कौन से व्यक्ति है भारत देश के है दो बार आपके क्या है उपराष्ट्रपति बन चुके हैं भाई। 1952 सर ये याद आते हैं, सर ये ऐड आती भाई, ऐड तो आवेंगी, ऐड को नहीं आवे, ऐड तो आवेंगी यार, ऐड तो काम है टीवी में मैच देखो, ऐड को नहीं उतारे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये आपके क्या है 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसको याद कैसे रखोगे, सरो का मतलब हो गया सब जगह, सरो का मतलब सब जगह, भैया क्या बोले मैं सब जगह मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बोले, सरो का मतलब सब जगह कौन है, मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है सब जगह आपके राष्ट्रपति, यानी देश के 2 बार राष्ट्रपति बने, सीपीओ 2019 के अंदर प्रश्न आया है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, कौन है भारत के राष्ट्रपति के अंदर कौन भाग लिया कर रहे हो बताओ भाई फटाफट से, सी 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 एम एस एक्सेल सीट, अरे करवाया जाए एक्सेल सीट ना, टेंशन लो था। देखो भाई,
तो अब इसका संसद के दोनों सदनों एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, कोई भी क्या है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग ले सकता है। संसद के जैसे दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उनके भी ठीक है, और जो आपके राज्य की जो विधानसभा होती है, कोई भी है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग ले सकता है। आगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मान लो कि कोई भी, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की कभी भी मृत्यु होगी या कुछ भी दिक्कत होगी, तो कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन है वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस, आपके डी वाई चंद्रचूड़। और इसको याद करने की कल ट्रिक भी बताई थी, कल परसों क्लास ली थी, क्या ट्रिक थी, जो भी कानून का विरोध करेगा, कानून से पंगा लेगा, जो चंद्रचूड़ साहब है जो चीफ जस्टिस, उसको उजाड़ देंगे, चंद्रचूड़ से उजाड़ देंगे, कंगाल करेंगे, ऐसी सजा देंगे, जेल के अंदर सारी उम्र रोएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्न में से किसे है लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है, कौन से को है लोकप्रिय लय से लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जनता के लिए सबसे ज्यादा प्रिय जोन सा कौन सा है आपका, लोकसभा, लय से लोकप्रिय, लय से लोकसभा। ठीक है, आपका CGL 2023 के अंदर आया है। अगला देखो क्या, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भाई जनवरी 1950 से लेकर 51 तक है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो आपके चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, इतना पुराना प्रश्न भी आ सकता है पेपर के अंदर। भाई CCC लोकसभा, अरे वो तो हो गया, लोकसभा वाला तो हो गया, ये बताओ भाई। तो आपके भाई अरीलाल जेकी सुंददास कन्या, इसको कैसे याद रखो आप लोग, ये देखो भाई, अब देखो 1950 से 51 का टाइम है, बहुत पुराना टाइम है, जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था भाई, 1947 का बजट जिस टाइम देश आज़ाद, उससे टाइम की बात है 1950 से 51 है, तो उस टाइम वाले लोगों के नाम क्यों आया कर दे, ये नाम होया कर दे, अरीलाल, श्यामलाल, जेठालाल, पोपटलाल, ये नाम आया करते उस टाइम, तो उस टाइम का नाम कई शब्द याद रख लो भाई, रीलाल पुराना सा नाम दिखो, ओल्ड नेम है, तो उस टाइम यही आपके क्या थे, चीफ जस्टिस थे 1950 जिस टाइम देश स्वतंत्र है। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल है, किसको बोला जाता है, ये प्रश्न पूछा गया भाई। यो कोनी आवे गुरु जी, कोई बात नहीं, सब आ जाओगे। अरे सर आपकी क्लास करके शुरू से नोट्स बनाए हैं नीलू नीलम, शाबाश भाई शाबाश, अच्छी बात है नोट्स बनाए। भारतीय संसद का शून्यकाल है, शून्यकाल क्या है, प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय, जैसे प्रश्न काल के अगर संसद का मैं अलग अलग काल हो है, एक तो भाई इवन प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रश्न काल का मतलब जो कन्नू पूछा, विपक्ष के जो लोग हैं, जैसे मान लो भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस वाले विपक्ष के लोग वो क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आपने वहाँ पर रोड बनवाया कि नहीं बनवाया, वहाँ पर वो किया या नहीं करा, उसको प्रश्न काल बोला, उसके बाद शून्यकाल, फिर है सन्नाटा सा जाया अगर बनू बैस बहुत प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न काल के बाद क्या पूछा जाए, शून्यकाल भाई। अगला देखो क्या, एक वर्ष लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, एक साल के अंदर है लोकसभा के टोटल कितने सत्र आयोजित हुए, ये प्रश्न पूछा है, बताओ भाई। देखो भाई सर जी सब याद हो गया, शाबाश निक्कू चौधरी, देखो एक साल के अंदर है आपके लोकसभा के 3 सत्र आपके आयोजित किए जाते हैं, एक तो आपका होता है शीतकालीन सत्र ठीक होता है, एक होता है आपका मानसून सत्र ठीक होता है, और एक होता है आपका बजट सत्र, 3 टाइप के सत्र आयोजित किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन का मतलब सर्दियों के अंदर होता है, मानसून का मतलब एक बारिश का टाइम पर जुलाई से सितंबर का बीच में वो मानसून सत्र हो, एक आपका बजट जो फरवरी के अंदर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक है, जितने भी आपकी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो आपके सेंटर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी या और जो सेंट्रल लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उनका हेड कौन होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनके चांसलर होते हैं, चांसलर जो आपके होते हैं ना, एक तो VCO वाइस चांसलर, एक जो चांसलर है जो हेड है वो कौन आपके भारत के राष्ट्रपति होते में। अगला क्या, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 13 दिन का रहा था, मात्र कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा था, भाई बताओ भाई। तो भाई ऐसे आपके एक ही थे, ये 40 रुपया की सुपर चैट कौन भेज गया भाई, मन बेरा ही नहीं ला गया, लगता है ये मेरे काम से खुश हो गया, गुरुजी डेली ऐसे ही करवाओ मौज कर दिया आज तो, अभिषेक चौधरी 40 रुपये भाई, अभिषेक चौधरी ने दान दिया है, धन्यवाद भाई।
उनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 13 दिन का रहा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, इसको कैसे याद रखो, अटल, अटल का मतलब हो गया जो अपनी बात पर क्या है, अटल रहे, मतलब अपनी बात के ऊपर अड़िग रहे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी तो 13 दिन भी अपनी बात पर अटल नहीं रहे भाई। आप लोग प्रधानमंत्री बनते हो 5 साल के लिए बनते हो, ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी है भाई आपके क्या है, 13 दिन के लिए भी आपके क्या है, अटल नहीं रहे, यानी कि वहां से चल गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी है, इनका कार्यकाल आपका मात्र 13 दिन का रहा था भाई। 100वां प्रश्न है भाई आज की कला का, 100वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के पास वे ही शक्तियां और कार्य है जो डैश के पास है, किसके पास है, जो ब्रिटेन की रानी के पास है, वही भारत के राष्ट्रपति के पास है, वही शक्तियां भाई, ठीक है। बाकी के भाई और भी प्रश्न रह गए भाई, मैं भी थक गया, मेरे मकोनी और हिम्मत, ठीक है, और तारे पीडीएफ नुक्की नु भेज दियो, थक गया भाई मैं तो खुद, और तम देख लियो यार खुद, और छोटे मोटे प्रश्न और हैं, ठीक है, मतलब आपके आर्टिकल वगैरह हो तो मैंने करवाए दिए, टेंशन ना लो। तो भाई बुंडे डाल थक गया हूँ, गोडे लागे दुखण, खड़े खड़े गोडे गाडे के सारा अंग अंग लागे मेरा दुखण, ठीक है भाई, कर लियो यार, बहुत हो गया भाई, मेरी तो कड़ लागी दुखण, 2 घंटे 22 मिनट हो गए भोग दौड़ी। तो भाई सारे थी राम राम, ठीक है। अरे भाई के लिखना था मैं ना, ये 100वां प्रश्न ये तो हो गया, ये देखो 100% ऊपर पीडीएफ सरका हो गए भगवान, हाँ तो गात तोड़ी दिया भाई। इन प्रश्न की पीडीएफ है ये जो कर, जो बच गए 21 प्रश्न और रह गए, इन प्रश्न की पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल है @capitalJ capital T छोटे अक्षरा में ARGET, JRT को कैपिटल रखना है, और जो ARGET उसकी छोटा रखना है, @capitalJ capital T छोटे अक्षरा में ARGET, जे टारगेट नाम तो अपना टेलीग्राम चैनल है। मेरी फोटो लागी पाओगी, 1,01,000 समथिंग सब्सक्राइबर पाओगे, मतलब 1,01,000 यानी 1,00,000 पार सब्सक्राइबर पाओगे, ठीक है, उसना ज्वाइन कर लियो, मेरी फोटो लगी पाओगी, सर्च कर लियो @capitalJ capital T छोटे अक्षर में ARGET, उड़ता हमने सारे प्रश्न पीडीएफ जी नुक्की नु कल मिल जाए तारती, ठीक है, उसना ज्वाइन कर लियो। तो भाई क्लास किसी लागी, क्लास खत्म हो पाचा कमेंट करके जरूर बता दियो, सारे दी राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो खाए जाओ। सिंगल वन बच्चा भी मेरा हिसाब था भाई, कौन पाओ जिसका पर्सन याद ना हो, आओ सारे आर्टिकल याद करवा दी, जो जो से इंपॉर्टेंट है, जो जो बार बार रिपीट हो, कहाँ से क्या लिया गया, संविधान संशोधन अनुबंधन जो भी था, सारा का सारा याद करवा दिया भाई, ठीक है, सारे दी राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो खाए जाओ, जमा रोटी खाऊँगा, सारा सिस्टम आ लिया मेरा तो, ओम भाई।